minus ih cross by twice m psi star del psi minus psi del psi star. ये आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. रियल पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है. अब अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उससे लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होंगी, और वेव्स ट्रेवलिंग वेव हैं अगर, तो उनका वेलोसिटी नॉन जीरो मिलेगा. अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के आउटसाइड में डी ब्रॉगली वेव्स आउटर में ट्रेवल करती हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डाइवर्जेंस ऑफ एस होगा आउटवर्ड फ्लो के लिए वो पॉजिटिव मिलेगा. अगर वेव्स आउटर में किसी सरफेस के इनसाइड सरफेस से आउटसाइड में, इनसाइड से आउटसाइड में वेव अगर आगे ट्रेवल करती हैं, तो ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव बनेगा. तो उस रीजन के इनसाइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एस है वो नेगेटिव बनेगा. तो प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी. नेगेटिव रेट का मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज जाएगी सेम फैक्टर से. अब अगर डाइवर्जेंस ऑफ एस पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाए इनवर्ड फ्लो के लिए, तो डेल पी बाई डेल टी पॉजिटिव बनेगा. इट मीन्स उसके इनसाइड में सेम फैक्टर से प्रोबेबिलिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंजर्व्ड होगा. तो ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताता है रियल पोटेंशियल के लिए. बट अगर पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा तब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो. आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि अगर डेल पी बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो आएगा अगर पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स है. मैं वेव फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म का राइट साइड नॉन जीरो बनेगा, जिससे आपको ये कंफर्म होगा कि जिस रेट से डाइवर्जेंस चेंज होगा उसी रेट से डेल पी वाई डेल टी चेंज नहीं होगा, और दोनों का सम करेंगे तो सेम नहीं बने, जीरो नहीं बनेगा. जीरो कोई नॉन जीरो कंडीशन वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, जिससे प्रोबेबिलिटी चेंज जाएगी, प्रोबेबिलिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज जाएगी. तो ये पॉइंट्स आपको लास्ट लेक्चर तक हिंट हो गए थे. ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉट कंजर्व्ड है, और इस पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया था. अब रियल पोटेंशियल के लिए ही जो आपको ये मैंने रिलेशंस बताए हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन बताया है, इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये एनालॉजी से वर्ड यूज किया था. जिस तरह रियल चार्ज अगर फ्लो करता है तो उससे करंट अराइज होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी के फ्लो से प्रोबेबिलिटी करंट अराइज होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंडीशन करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी बनेंगे. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बनेंगे. तो ये एक्सप्रेशन आपको मेमोराइज होगा, तो आप ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किसी गिविन वेव फंक्शन फॉर्म के लिए फाइंड कर सकते हैं. अब इसको फाइंड करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस से वेव्स आउटसाइड में फ्लो करता है तो एक फ्लक्स का कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे पहले. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लोगों ने क्लोज सरफेस इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, और इसको आपने डिफाइन किया होगा इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए नॉर्मल ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और इसी टर्म को आप वॉल्यूम एलिमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये डी टाउ पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्लोज सरफेस इंटीग्रल में लाइक दिस कन्वर्ट करेंगे तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन फ्लक्स का कंसेप्ट देता है. तो सेम मीनिंग यहाँ पे है. आप लोगों ने जब डेरिवेशन सॉल्व किया था तो डाइवर्जेंस ऑफ एस का वॉल्यूम एलिमेंट था, जिसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा. तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं. बट फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इसको रिलेट कर दिया, बट अगर आपको पार्टिकल फ्लक्स से इसको रिलेट करना है
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और सरफेस इंटीग्रल, इसी का डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एस, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में टर्म आ रहा था। तो एस इन दिस केस कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल फ्लक्स, बट पार्टिकल फ्लक्स को ऑल टाइम आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे। रीजन भी आपको पता होना चाहिए इन क्वांटम मैकेनिक्स। डाइवर्जेंस बताता है फ्लो को, वेलोसिटी और मोमेंटम का आइडिया देता है डाइवर्जेंस, और डीटो से आपको पोजिशन का आइडिया मिल रहा है। तो सेम टाइम पे आपको फ्लक्स मेजर करने के लिए, अगर आप इसको एज ए पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट करते हैं, एस कैन बी इंटरप्रेटेड एज पार्टिकल फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एस पार्टिकल फ्लक्स। पार्टिकल फ्लक्स का मीनिंग क्या है कि आपको आइडिया देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम का। बट इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें सेम टाइम पे पोजिशन और मोमेंटम मेजर करने पड़ेंगे। डाइवर्जेंस पार्ट से मोमेंटम और वेलोसिटी का आइडिया मिलेगा, और इंटीग्रल डीटा पार्ट से पोजिशन का आइडिया मिलेगा। तो सेम टाइम पे यहाँ पे पोजिशन और मोमेंटम के मेजरमेंट का कंडीशन इंक्लूड होगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप हम यहाँ पे एस का जो वेरिएशन है वो वेरी स्मॉल हो जाए, तो हम पोजिशन की एक्यूरेसी पे वर्क करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एस कैन बी इंटरप्रेटेड एज पार्टिकल फ्लक्स व्हेन वेरिएशन ऑफ एस इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन और वेरीज वेरी स्लाइटली विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन। इन दीज कंडीशन आप उसको पार्टिकल फ्लक्स यूज कर सकते हैं, और मोस्टली जब आप स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो दैट टाइम पर रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब आपको ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को आप पार्टिकल फ्लक्स एज्यूम करेंगे। बाउंड सिस्टम के लिए पार्टिकल फ्लक्स का सेंस नहीं होगा, सिर्फ स्कैटरिंग केस के लिए आप एज ए पार्टिकल फ्लक्स को इंटरप्रेट करेंगे। अभी रियल पोटेंशियल के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे, ये टर्म को कंपेयर करेंगे, जो साई स्टार डेल साई और साई डेल साई स्टार। अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं साई के लिए, ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, दिस इज अ वेव फंक्शन इन पोजिशन स्पेस फॉर प्लेन वेव। तो साई स्टार आप इजीली यहां पे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ए स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई के एक्स। आपको डेल साई फाइंड करना है यहां पे, तो डेल साई के लिए वन डायमेंशन में डेल साई बाई डेल एक्स फाइंड करना है। इसको डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ए एस एच एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, और जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो आई के मल्टीप्लाई मिलेगा। आप डेल साई स्टार फाइंड कर सकते हैं, डेल साई स्टार मीन्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई स्टार। साई स्टार आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ए स्टार एस एच एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, और जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस आई के मल्टीप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी साई स्टार डेल साई माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम। साई स्टार डेल साई की वैल्यू प्लेस करेंगे तो डेल साई इज आई के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, दिस इज डेल साई। साई स्टार से मल्टीप्लाई किया तो ए स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स माइनस साई डेल साई स्टार, साई इज ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एंड डेल साई स्टार इज दिस माइनस आई सिस्टम इज साई डेल साई स्टार। डेल साई स्टार इज माइनस आई ए स्टार के एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स।
यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस बाई टू आई एन, ये टर्म का कंडीशन चेक करिए, ये आई ए स्टार ए ए मॉड स्क्वायर के एस एच, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म एलिमिनेट हो गए। अब ये माइनस और ये टर्म को कंपेयर करिए, माइनस आई ए मॉड स्क्वायर के, तो मैंने जैसे ये टर्म बताया साई स्टार डेल साई और साई डेल साई स्टार, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए, साइन में चेंज हो रही है, ये आई के ए मॉड स्क्वायर है और ये माइनस आई के ए मॉड स्क्वायर है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ से आपने ये कंपेयर किया तो ये वैल्यू आपको कंफर्म हो जाएगा, ये टर्म ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से ये आई और ये आई, ये एस वैल्यू श्योरली रियल बनेगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी श्योरली रियल बनेगा, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये आई और माइनस आई प्लस और ये फैक्टर टू आईस हो गए, तो एच क्रॉस के बाई एम एच क्रॉस के बाई एम ए मॉड स्क्वायर, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिस डायरेक्शन में के होगा उसी डायरेक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी करंट बनेगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड पर जाएं तो एच क्रॉस के मैग्नीट्यूड बाई एम ए मॉड स्क्वायर, और ये वैल्यू को चेक करिए, के का मैग्नीट्यूड रियल है, एच क्रॉस रियल, एम रियल, ए मॉड स्क्वायर रियल, ये सियोरली रियल बनेगा, इमेजनरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नहीं बनेगा। अब ये टर्म पे जाएं, अगर साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर, इफ साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर, और वेलोसिटी ऑपरेटर को आप डिफाइन करते हैं मोमेंटम बाय मास, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय एम विद आइगन वैल्यू स्मॉल v। देखो ऑपरेटर पे कैप है और आइगन वैल्यू पे कोई मैंने नोटेशन यूज नहीं किया, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो पहले लास्ट लेक्चर में आपको आइगन वैल्यू का कंसेप्ट बताया। तो अगर आप ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो माइनस आई एच क्रॉस डेल ये फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो ये अगर आइगन फंक्शन है तो ये आइगन वैल्यू मिलेगा, साई एस एच रहेगा। तो ये पॉइंट आपको वेलोसिटी ऑपरेटर के लिए मैंने हिंट कर दिया कि वी नोटेशन क्या बताता है। तो ये दीज पॉइंट्स को अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एस कैन बी रिटन एज माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब यहाँ पे अगर साई जनरली कॉम्प्लेक्स है जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी भी है, तो यहाँ से रियल पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, और ये जो कंट्रीब्यूशन है साई स्टार डेल साई ये एक दूसरे के साइन में चेंज होंगे। अभी आपको लास्ट एग्जांपल से मैंने बताया कि साई जनरली कॉम्प्लेक्स, ये टर्म एक दूसरे से सिर्फ साइन में चेंज हो रहे थे, और ये साइन में चेंज होने से ये टर्म ट्वाइस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म था इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये टर्म ट्वाइस आएगा, तो रियल ऑफ, क्योंकि ये रियल बनेगा अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया, और ये ऐड हो गए से ट्वाइस फैक्टर इसको एडजस्ट कर देगा, तो माइनस ये इनसाइड में इंक्लूड किया साई स्टार डेल पार्ट सिर्फ साई पे है, कोई एक पार्ट यहां से कंसिडर कर लेंगे, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई एम, ये टू फैक्टर यहां से जब ये ऐड हो जाएंगे सेम साइन में या अपोजिट साइन में तो माइनस माइनस प्लस होने से ट्वाइस हो गया और ये टू फैक्टर एडजस्ट हो गया। तो आप इस पार्ट से भी आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, इस एक्सप्रेशन से भी आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं इसको, अब ये टर्म पे जाइए,
ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई एम को वेलोसिटी ऑपरेटर लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार वेलोसिटी साई। अब अगर साई, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर साई वी का आइगन फंक्शन है तो ये ऑपरेटर साई को आइगन वैल्यू इनटू साई लिखेंगे, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। रियल ऑफ साई स्टार, और ये वी, अब की बार यहां पे ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर यहां पे था, यहां पे ये आइगन वैल्यू है, और जैसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई किया, साई स्टार साई ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ऑपरेटर कर, ऑपरेट करके आइगन वैल्यू बन गया, अभी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो साई स्टार साई साई मॉड स्क्वायर बन गया जो ऑलवेज रियल है, और रियल होगा, और ये आई वी आप यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बनेगा उसी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी करंट बनेगा, जिस डायरेक्शन में के होगा, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, उसी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी करंट एसोसिएट होगा। और यहां पे मैंने वी जो नोटेशन है वो आइगन वैल्यू बताया है, दोनों में डिफरेंस है, यहां पे जो वी नोटेशन है ये ऑपरेटर है। तो अगर आपको फॉर्म से ये कंफर्म हो जाए कि ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या है, गिवन फंक्शन आइगन फंक्शन है कि नहीं, तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते थे। अब जो लास्ट एग्जांपल मैंने ये मेथड से बताया, ये प्लेन वेव है, और प्लेन वेव के लिए मोमेंटम की आइगन वैल्यू आपको कंफर्म है एच क्रॉस के बाई एम, तो वेलोसिटी की आइगन वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल गया फॉर्म से, एच क्रॉस के बाई एम बनेगा। और आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए ये स्टेप यूज किया साई स्टार साई, जो आप इजीली कर सकते हैं, साई पता है, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराया तो ए मॉड स्क्वायर हो गया, और वेलोसिटी की आइगन वैल्यू एच क्रॉस के बाई एम, ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म आपको मैंने डिफरेंशियल करके इस एक्सप्रेशन में प्लेस करके माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार बताया था, वो मैंने वन स्टेप में वेलोसिटी की आइगन वैल्यू कंपेयर किया और साई स्टार साई में मल्टीप्लाई करके फाइंड कराया। तो ये एक्सप्रेशन से आप इजीली, अगर वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं तो इजीली आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड कर पाएंगे। वेक्टर पार्ट के लिए जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का आएगा, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, साई मॉड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ वेक्टर पार्ट भी है और ये आपका यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट है। अगर आइगन वैल्यू वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो वेक्टर इंक्लूड हो जाएगा, और आप मैग्नीट्यूड पार्ट रखेंगे तो मैग्नीट्यूड में रखेंगे। तो ये पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको मैंने हिंट कर दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल बताया था, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में या प्योरली इमेजिनरी पार्ट में आपको ये स्टेप्स रिलेट हो गए। अब अगर साई रियल दिया हुआ, पहले मैंने पोटेंशियल को बताया रियल और कॉम्प्लेक्स, अब मैं साई की बात कर रहा हूं। अगर साई रियल है, अब साई रियल होगा तो साई स्टार भी सेम कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन था साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये कंट्रीब्यूशन जो अपोजिट साइन में आया था इमेजिनरी पार्ट की वजह से, रियल के लिए ये कंट्रीब्यूशन सेम आएगा, और जब सेम होगा तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में इसको अगर आप प्लेस करेंगे तो ये टर्म साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म सेम कंट्रीब्यूट करेंगे सेम साइन में आएंगे, और ये माइनस है, सेम वैल्यू का जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस जीरो बन जाएगा, और जीरो बनेगा तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रियल फंक्शंस के लिए ये जीरो बनेगा। इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि जीरो क्यों है। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था जब वेव फंक्शन की कंडीशन पे गए थे कि रियल वेव फंक्शन कब बनेगा, जब आप बाउंड सिस्टम्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप वेरिएबल पार्ट मोस्टली फेस करेंगे वेव फंक्शन का कि वो रियल बनेगा, और बाउंड स्टेट के लिए जो वेव्स बनती हैं मैटर वेव्स, वो ट्रेवलिंग वेव नहीं होती, वो स्टैंडिंग वेव होती है, और स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी जीरो आती है, और वेलोसिटी जीरो होने से अब चाहे इस पार्ट को इक्वल कर लें या साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी, रियल वेव फंक्शन के लिए जो वेलोसिटी होगी वो जीरो बनेगी, और जीरो बनने से ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगी।
ये पार्ट आपको रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो होने का रीजन क्या है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे पार्टिकल बॉक्स अगर आप पढ़ते हैं तो कोई वेव किसी बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपोजिट वेलोसिटी से सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब रिजल्टेंट वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी पार्ट से वेलोसिटी जीरो बनेगा, इट मींस स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी जीरो आएगी। जब स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी जीरो है तो उससे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी जीरो बनेगी क्योंकि वहां पे कोई करंट एसोसिएट नहीं रहेगी। इक्वल और अपोजिट करंट वाले पार्ट से करंट डेंसिटी जीरो बन जाएगी। तो दीज टू पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अगर कंफर्म होगा कि साई इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है तो आप ये कंडीशन से ट्वाइस करके रिजल्ट को चाहे एक्सप्रेशन से फाइंड करें चाहे वेलोसिटी पार्ट से फाइंड कर लें। और अगर रियल पोटेंशियल रियल वेव फंक्शन है तो रियल वेव फंक्शन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो बन जाएगी, जिसको आप चाहे फिर से कैलकुलेट कर लें या आप इसको डायरेक्ट वहां पे यूज कर लें। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के रिगार्डिंग मैंने सम पॉइंट्स आपको रिलेट किए हैं, वो प्रॉब्लम के टाइम पे आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। कब इसको पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट करेंगे ठीक है वो भी मैंने पॉइंट इन कर दिया। एक कंसेप्ट आएगा आपको स्टेशनरी स्टेट का, जो भी मैंने बताया स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी स्टेट, दैट पार्ट के लिए भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को थोड़ा रिलेट करेंगे। जो भी मैंने यहां पे इनडायरेक्टली ये जीरो बता दिया है, स्टेशनरी स्टेट जो स्टेशनरी वर्ड है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं, वहां पे आप स्टेशनरी वर्ड यूज करके चलते हैं रेस्ट के लिए कि सोर्स चार्ज रेस्ट पे है, बट यहाँ पे जो स्टेशनरी वर्ड है उसका एनालॉगी करेंगे तो स्टेशनरी का मीनिंग क्या है कि जो वेव है वो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी का मतलब है टाइम से इंडिपेंडेंट, बट स्टेशनरी वर्ड आया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द स्टेट इन विच पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप इसको स्पेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं, पोजिशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं, तो अगर ये टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी भी टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा। द स्टेट इन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनालॉजी कर रहे हैं, अगर पार्टिकल को रेस्ट पे ले लेंगे तो मैटर में भी एसोसिएट नहीं होगा, तो स्टेशनरी जो वर्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के लिए है, रिजल्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएंगे। पोजिशन टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है, पोजिशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बट जो इंडिपेंडेंट कंडीशन है वो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए या कुछ रिजल्ट्स के लिए है। द स्टेट इन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। और स्टेशनरी स्टेट के लिए आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट है तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो टाइम बिहेवियर एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस बनेगा। अगर ये सॉल्यूशन पे जाएं, ये कब होता है जब पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए जो स्टेट का सॉल्यूशन बनेगा, एनर्जी स्टेट्स बनेंगी, अगर यहां से हम मॉड स्क्वायर फाइंड करने लगे तो ए मॉड स्क्वायर फाई फंक्शन ऑफ आर मॉड स्क्वायर और ये एक्सपोनेंशियल आई का टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये ए मॉड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, फाई मॉड स्क्वायर ये ओनली आर का फंक्शन है, तो यहाँ पे टाइम पार्ट नहीं आया। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये टर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो टाइम पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी भी टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी टाइम से इंडिपेंडेंट है।
दिस फॉर्म इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। तो जब भी टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल होगा तो सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पे अगर आप ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी की वैल्यू है, अगर आप यहां से डेल पी बाई डेल टी फाइंड करने लगे स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन के लिए, टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के केस में जो सॉल्यूशन बनेगा श्रोडिंगर इक्वेशन का, उसके लिए अगर आप डेल पी बाई डेल टी कैलकुलेट करने लगे तो ये जीरो बनेगा। यहां पे टाइम का कोई रोल नहीं है। और जैसे ही आपने डेल पी बाई डेल टी को जीरो किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डाइवर्जेंस ऑफ एस जीरो बनेगा। इट मीन्स एस या तो जीरो बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ एस के लिए, या एस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन आएगा। तो ये जो अभी आपको रियल वेव फंक्शन के लिए एग्जांपल बताया एस के जीरो होने का, इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे बाउंड स्टेट्स के लिए सॉल्यूशन जो आप फाइंड करते हैं वो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन बनता है। तो आगे अगर कहीं स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट आएगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अप्लाई भी रिलेट कर सकते हैं। पार्टिकल बॉक्स के लिए अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में कैलकुलेट करेंगे, तो जीरो बन जाएगा। उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। वहां पे मैटर वेव फ्लो नहीं करती है, मैटर वेव से कोई करंट अरे वहां पे एसोसिएट नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए जितने नोड्स बनेंगे वो जिस पोजीशन पे हैं, इसी नेक्स्ट टाइम पे अगर आप उनको ऑब्जर्व करने लगे तो वो उसी पोजीशन पे रहेंगे, नोड पोजीशन चेंज नहीं होगा। ट्रेवलिंग और स्टैंडिंग वेव में यही डिफरेंस है। ट्रेवलिंग वेव में जो अगर किसी पॉइंट पर नोड फाइंड होते हैं, अगर ये वेव ट्रेवल कर रहा है तो ये नोड पोजिशन है जहां पे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जीरो बनेगा, ये नोड पोजिशन है। ये नोड पोजिशन जिस पर्टिकुलर पोजिशन पे है, अगर ये वेव ट्रेवल करता तो नेक्स्ट टाइम पे ये नोड पोजिशन आगे फॉरवर्ड कर जाएगा। बट स्टैंडिंग वेव में ये जस्ट एम्पलीट्यूड, ये जो फैक्टर है, अगर यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमा आए तो ये मिनिमा बन सकता है, बट नोड पोजिशन सेम रहेंगे, उन्हीं पोजिशन पे नोड बन जाएगा जहां पहले नोड था। तो स्टैंडिंग वेव में वेलोसिटी जीरो होने से नोड पोजिशन चेंज नहीं होती है। ट्रेवलिंग वेव में वेलोसिटी नॉन जीरो होने से ये जो नोड पोजिशन है वो आगे फॉरवर्ड कर जाएंगे। जैसे कोई स्ट्रिंग का एग्जांपल लें, स्ट्रिंग के एक एंड को आपने फिक्स कर दिया और अपने हैंड से एक पल्स जनरेट किया, तो वहां पे जो पल्स बनेगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो आता है। बट अगर बोथ एंड से कोई पल्स जनरेट करने लगे और लाइक दिस उसमें पल्स जनरेट हो कि बोथ पल्स में 180 डिग्री फेज चेंज हो जाए, तो 180 डिग्री फेज चेंज होने से वहां पे जो नोड पोजिशन बनेंगी वो स्टेशनरी हो जाएंगी, वो वेव स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, जो आप लोग पार्टिकल बॉक्स वाले केस में आप चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल के इनसाइड में वेव फंक्शंस को ड्रॉ किया होगा पहले। ये एन इक्वल्स वन के लिए प्लॉट करते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे, और एन इक्वल्स टू के लिए आप लोगों ने लाइक दिस प्लॉट किया होगा। तो किसी भी टाइम पर आप पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये नोड पोजिशन फिक्स रहती है, ये वेव प्रोपेगेट नहीं करती। ये अगर आगे मूव करता है ये पोजिशन चेंज हो जाता है, तब ट्रेवलिंग वेव आता है। बट यहाँ पर टू इक्वल अपोजिट वेलोसिटी से ट्रेवलिंग वेव प्रोपेगेट करती है, जिससे रिजल्टेंट वेव स्टैंडिंग वेव बन जाता है। तो ये रीजंस आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे जीरो होने का मीनिंग क्या है। जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो स्टैंडिंग वेव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और स्टैंडिंग वेव के लिए वेलोसिटी जीरो होने से ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो बन जाएगा, वहां पे कोई फ्लो नहीं बनेगा वेव्स का। तो जो थियोरी पार्ट है वो मैंने आपको एक हिंट कर दिया कि यहाँ पे करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है, कैसे प्रोबेबिलिटी कंजर्व रहेगा, कैसे वेरी करेगा। इस पे सम क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पे। सर हाँ जी सर, ये एस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन है सर, ये कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट बन जाए एस, पोजिशन से इंडिपेंडेंट बन जाए। स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी एक जनरल वर्ड है, बट वहां पे जो रियल फंक्शन का केस है, ठीक है, वहां पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी श्योरली जीरो बनेगा। बट जो स्टेशनरी वेव का जो कंसेप्ट मैंने बताया है, या तो ये एस जीरो बन जाए या एस पोजीशन से इंडिपेंडेंट बन जाए, तो उसका जब डिफरेंशियल करेंगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ये डाइवर्जेंस फाइंड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं वेक्टर का। अगर वेक्टर कांस्टेंट हो जाए तब भी तो डाइवर्जेंस जीरो बनेगा,
तो इस डाइवर्जेंस ऑफ एस जीरो होने का एक स्पेशल केस रियल वेव फंक्शन के लिए है, जो स्टेशनरी पार्ट में टू पार्ट बनेंगे, स्टेशनरी स्टेट के लिए ये जीरो भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है पोजीशन के रास्ते। क्लियर हो गया? यस सर। पेज नंबर 12 पे प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 12 पे ही प्रॉब्लम नंबर 10 है। बोथ प्रॉब्लम के स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, कोई एक अपने ग्रुप में इमेज भेज देंगे, जिन स्टूडेंट्स पे नहीं हो पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 12 पे जो प्रॉब्लम नंबर 13 है उसका स्टेटमेंट अगर रीड करें तो वो प्रॉब्लम तो मैंने आपको अभी एग्जांपल वाइज डिस्कस कर दिया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। दिस इज अ प्लेन वेव मूविंग विद वेलोसिटी एच क्रॉस के बाई एम। मोमेंटम यहाँ पे एच क्रॉस के है, मोमेंटम आइगन वैल्यू एच क्रॉस के है। प्लेन वेव इज द आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी का आइगन वैल्यू आपको कंफर्म हो गया और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी आइगन वैल्यू एच क्रॉस के वेक्टर वाई एम, ये आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बनेगा। अगर इसी का मैग्नीट्यूड पार्ट फाइंड करें तो के का मैग्नीट्यूड प्लेस करेंगे, दैट इज स्मॉल के। ऑप्शन में के नोटेशन मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए बताया है, वेव वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए। तो एच क्रॉस के बाई एम, ए मॉड स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। बाकी आप चाहें तो एक्सप्रेशन से भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने दोनों पार्ट आपको बता दिए हैं सेम प्रॉब्लम के लिए, ये पार्ट भी पहले बताया गया है। पेज नंबर 12 पे प्रॉब्लम नंबर 10, ए बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैविंग स्पीड वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ वी, इज डेस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, वेयर यू इज रियल फंक्शन। दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू ए करंट डेंसिटी। आपको यह हिंट किया था, एक इजी अप्रोच बताया मैंने करंट डेंसिटी के लिए। मैग्नीट्यूड पार्ट पर अगर जाएंगे तो साई स्टार साई, और साई स्टार साई आप इजीली कर सकते हैं, दैट इज यू रियल फंक्शन है तो साई स्टार साई करेंगे। देखो टोटल वेव फंक्शन रियल नहीं है, यू जो यहाँ पे नोटेशन है एक्सपोनेंशियल आई एक्स का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर वो रियल है। अगर टोटल वेव फंक्शन रियल हो जाता तो ये डायरेक्ट आप जीरो कर सकते, तो साई स्टार साई किया तो ये यू स्क्वायर बन गया और वेलोसिटी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेव के लिए रिगार्डिंग दिया है मैग्नीट्यूड वी, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड जो आप इस पार्ट से फाइंड कर सकते हैं, साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी आइगन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। प्रॉब्लम नोट करेंगे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी
corresponding to the matter wave defined as where capital A, small a, and k naught are constants. एक स्टेटमेंट और नोट कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि पार्टिकल के मास का इसमें और थोड़ा हिंट करना है जिससे आप वेलोसिटी फाइंड कर पाए. कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय साइज. यहाँ पे मास का भी हिट मिल गया पार्टिकल के. देखो यहाँ पे जब वेव फंक्शन लेंगे तो आपके पास डिफरेंट चॉइस है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए. जो मैंने आपको एक्सप्रेशंस हिंट किए हैं, देखो इस वेव फंक्शन इस एक्सप्रेशन से माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार से आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं. साई अगर दिया है तो साई स्टार डेल साई ये कैलकुलेशन आप करके एक्सप्रेशन में प्लेस करके फाइंड कर सकते हैं. पर जैसे जैसे मैंने आगे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इससे प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा. देखो यहाँ पे इस पार्ट से भी फाइंड कर सकते थे साई स्टार वी साई का रियल पार्ट लेके. इससे और ईजी हो गया साई मॉड स्क्वायर इंटू वेलोसिटी. ओनली वेलोसिटी चेक करना है, बट ये कंपेयर करना है यहाँ पे कि साई कॉम्प्लेक्स था तब ये पार्ट बना. अगर रियल होता तो ये तो जीरो बन जाता है रियल में, यहाँ बता दिया. तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो रियल कंट्रीब्यूशन होगा वो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं. ओनली जो इमेजिनरी कंट्रीब्यूशन है उससे ये टर्म कंट्रीब्यूट करते हैं. तो आप यहाँ पे जाएं इस वेव फंक्शन में. एक डाउट ये हो सकता है कि ये गिवन फॉर्म इज नॉट द आइगन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम ऑपरेटर. बट यहाँ पे जाइए कि इस पार्ट को जब आप नोट करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टूआई से स्क्वायर, ये टर्म का कंट्रीशन तो कैंसिल आउट हो जाना है. ये रियल टर्म है, ओनली कंट्रीशन सिर्फ इस पार्ट का बनेगा एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स का. इसलिए यहाँ पे जैसे यही पार्ट चेक करेंगे कि वेव फंक्शन में जो गिवन फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन है उसमें कहीं प्लेन वेव का कंट्रीशन है या नहीं. प्लेन वेव का कंट्रीशन है तो आप डायरेक्ट उस पार्ट से वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं. देखो आपके पास शॉर्ट ट्रिक है और एक एग्जैक्ट मेथड है. एग्जैक्ट मेथड से आप ऑल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा लेंदी बनेगा. आप ये साई गिवन है साई स्टार फाइंड कर सकते थे, तो डेल साई और डेल साई स्टार फाइंड करके एक्सप्रेशन में रख लेते. बट मैंने एक ईजी अप्रोच बताया कि यहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल रहा है. इस पार्ट से वेलोसिटी इज एच क्रॉस के नॉट बाई एम. इस पार्ट के लिए वेलोसिटी जीरो है. आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं साई स्टार साई, जो इजीली हो जाएगा. ये साई स्टार साई बन गया और
ये टर्म की वेलोसिटी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेगी, तो आपको वन स्टेप में डायरेक्ट पोलिटी करंडेंसी पता चल जाएगा। अब अगर किसी को इस मेथड में कंपेरिजन में कोई डाउट लगता है तो एग्जैक्ट मेथड पे जाए चले जाइए, 3-4 स्टेप्स फॉलो करिए, तब आप आंसर चेक कर लीजिए, तब भी ये जाएगा। सेम ही आ रहा है सर, सेम आ रहा है ना? यस सर, बस इसमें लेस टाइम में आप फाइंड कर पाएंगे, वो ज्यादा जनरल है बस। हाँ जी सर, वो ज्यादा जनरल है जो एग्जैक्ट मेथड है, बस ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, ये जो है यहाँ पे आपको हो सकता है सब स्टूडेंट्स को मैं जो रिलेट किया हूँ उसमें ये डाउट रहे कि ये तो मोमेंटम का आइगन फंक्शन नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूँ आइगन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे टू पार्ट है, एक एक्सपोनेंशियल रियल टर्म और एक एक्सपोनेंशियल आइटेट्रम। तो एक्सपोनेंशियल आइटेट्रम मोमेंटम का आइगन फंक्शन बनता है, इस टर्म की वजह से टोटल वेव फंक्शन तो आइगन फंक्शन नहीं बना, बट जो रियल टर्म है वो प्रोबेबिलिटी कंडेंसिटी में उसका कंडीशन एक्सक्लूड हो जाता है, तो ओनली प्लेन वेव का कंडीशन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी में, बाकी पार्ट साइज ऐसा ही कर लेंगे, तो एक इजी अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, हम हमेशा ही वेलोसिटी का वैल्यू ये h का k नॉट अपॉन m ही रखेंगे ना? हाँ जी, प्लेन वेव अगर है तो h क्रॉस k नॉट बाय m प्लेस कर लेंगे, ठीक है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। आंसर में e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर कैसे आ रहा है? ये कैसे हो गया? ये साई स्टार साई से आया है, ये टर्म जो है वो साई स्टार साई है, ये टर्म वेलोसिटी है, ठीक है? मीन्स जो ये रियल पार्ट है वो एज ए जैसे मैग्नीट्यूड साई साई स्टार के मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट होगा। हाँ, वो प्रेजेंट होगा, साई साई मॉड स्क्वायर तो पूरे पार्ट का लेना है। देखो यहाँ पे जाइए, ये टर्म कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने, तो हमारा जो फॉर्म है अभी भी कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल प्रोडक्ट तो अभी भी कॉम्प्लेक्स है ना? यस सर। तो आप ये कंपेयर करिए, जब ये मैंने नॉट कराया साई स्टार डेल साई, मैंने साई डेल साई स्टार, तो जो प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा उससे ये साइन चेंज हुआ, रियल पार्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो साई स्टार साई तो सारे का लेना है, मगर इस वेलोसिटी में जो कंट्रीशन आया वो सिर्फ प्लेन वेव का कंट्रीशन आया। तो वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे वो तो वेव गिवन वेव फंक्शन में चेक करेंगे कि वहां पे प्लेन वेव है, तो प्लेन वेव से वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, और साई स्टार साई में टोटल वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर करना। ओके सर, रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि जब रियल पार्ट है उसका प्रोबेबिलिटी कंडेंसिटी तो जीरो होता है, इसलिए वो पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए ओनली इमेजिनरी पार्ट का टर्म कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंडेंसिटी of matter waves associated with a material particle of mass small m and represented by wave function psi function of x, ये one dimensional wave function है, exponential minus x naught mod by a plus I p naught by h cross x, a small a p naught are constant, और second में three dimensional wave function है psi function of r, that is a by r exponential i k r.
यहाँ पे वन डायमेंशन वेव फंक्शन है और यहाँ पे थ्री डायमेंशन वेव फंक्शन। कई बार थ्री डायमेंशन पार्ट भी पूछ लेता है। कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट? यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे जो प्लेन वेव फॉर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल आई पी नॉट एक्स बाई एच क्रॉस, दैट पार्ट से आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो पी नॉट बाई एम बनेगा, और बाकी पार्ट से आप साई स्टार साई करेंगे तो ए मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस एक्स नॉट मॉड बाई ए, ये आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बनेगा। अगर इसी का मैग्नीट्यूड पार्ट फाइंड करना हो तो पी नॉट का मैग्नीट्यूड प्लेस कर देंगे। देखो इस जो शॉर्ट ट्रिक है उसका जो बेनिफिट है वो आपको इस थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन में इजीली पता चल जाएगा। अगर इसको एक्सप्रेशन से करने लगे तो आपको डेल साई ग्रेडियंट ऑफ साई आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पता होना चाहिए तब आप सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो आई के का जो आई आर का जो कोफिशियंट है वो के बताता है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अभी भी आपको इजीली फाइंड हो जाएगा। ए मॉड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई के आर बाई आर फॉर्म से साई स्टार साई किया तो ये एलिमिनेट हो गया, ओनली वेलोसिटी टर्म यहां से कंट्रीब्यूट करेगा एच क्रॉस के बाई ए। ये स्फेरिकल वेव वर्ड यूज करते हैं यहां पे एक्सपोनेंशियल आई के, दोनों में डिफरेंस है। देखो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर और एक्सपोनेंशियल आई के आर ये प्लेन वेव है और ये स्फेरिकल वेव है, और इसमें भी एक आउटगोइंग स्फेरिकल वर्ड आता है आउटगोइंग, किसी पॉइंट से अवे बाहर की तरफ जा रहा है, अवे में जा रहा है। आप लोग एमएससी कर लिए दोनों वेव में, हो सकता है सम स्टूडेंट्स को ही डिफरेंस पता हो कि कैसे ये स्फेरिकल वेव है और कैसे ये प्लेन वेव है। मैथमेटिकल फॉर्म तो पढ़ लिया बट ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं कि इसको हमने स्फेरिकल क्यों वर्ड यूज किया और इसको हमने प्लेन वेव क्यों किया। एक और डाउट होता है कि सम स्टूडेंट्स थिंक करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल आई के आर बाई आर ये फॉर्म स्फेरिकल बताता है, जो गलत है, जो रॉन्ग है। ये तो किसी कंजर्वेशन पार्ट को इंक्लूड करने के लिए आर डिवाइड करके चलते हैं, बाकी जो फेज फैक्टर है फेज तो सिर्फ यही बताता है। तो जो वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, प्लेन वेव का मतलब क्या है कि जिस वेव का वेव फ्रंट का शेप प्लेन होगा वो प्लेन वेव होती है। स्फेरिकल वेव मीन क्या है कि जिस वेव के वेव फ्रंट की शेप स्फेरिकल होती है वो स्फेरिकल वेव होगी। तो ये वेव फ्रंट की शेप से बताते हैं, और वेव फ्रंट का डेफिनेशन आप लोग 10th 12th लेवल से पढ़ते आ रहे होंगे। वेव फ्रंट मींस द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट हैव सेम फेज। तो सेम फेज वाले पॉइंट्स को अगर आप इस वेव के लिए कनेक्ट करेंगे, सेम फेज वाले पॉइंट्स को इस एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर बाई आर के लिए कनेक्ट करेंगे, तो थिंक करिए अगर आप अपने नोटबुक में नोटबुक के मिडिल से कोई वायर पास करा दें और उस नोटबुक को आप अपनी तरफ फेस कराएं, उसको व्यू करें, तो जो वायर है वायर का जो पॉइंट होगा वो आपकी आई को फेस करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और जो आपके नोटबुक पे कोई भी पॉइंट होगा नोटबुक के किसी एक पेज पे,
वो प्लेन वेव वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, और जब वहां से के डॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो के डॉट आर ऑल पॉइंट्स के लिए आर वैल्यू के परपेंडिकुलर बना और के डॉट आर वैल्यू जीरो बन गया। इट मीन्स उन सब के लिए जो फेज बना वो कॉन्स्टेंट आ गया, सेम फेज आ गया। इसी को और जनरलाइज कर सकते थे, देखो जो मैथमेटिक्स के बिहाइंड फिजिक्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए। बाकी मैथमेटिक्स में तो आपने मेमोराइज कर लिया, तो ये मेमोराइज ही करते आ रहे हैं कि ये कैसे प्लेन वेव था, ये डेल कॉन्स्टेंट है, फेज कॉन्स्टेंट वर्ड यूज करते हैं। तो आप चेक करिए इस वेव के लिए, आपने जो मैंने बताया कि एक नोटबुक का कोई पेज कंसीडर कर लीजिए, ये उससे प्रोपेगेशन वेक्टर का डायरेक्शन है नॉर्मली। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें इस प्लेन पे, सबके लिए जो के डॉट आर है वो जीरो बनेगा। तो आप चेक कर लीजिए सभी पॉइंट्स का जो फेज है वो डेल्टा बन गया, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो सेम फेज वाले पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो ये शेप बनेगा, जब ये शेप बनेगा तो ये शेप प्लेन है, प्लेन है तो प्लेन वेव। बट जो ये वेव है एक्सपोनेंशियल आई की आर, यहाँ पे डॉट नहीं है। अब आप यहाँ पे चेक करें, अगर आप यहाँ पे सेम फेज वाले पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल बॉल थिंक कर लें, थोड़ा विजुलाइज कर लें, तो स्फेरिकल बॉल से आपने कोई वायर पास करा दिया, ये के का डायरेक्शन है। बॉल के सरफेस पे जो नॉर्मल होगा ठीक है वो के की डायरेक्शन बनेगी, और उसके सेंटर से जो सरफेस तक की डिस्टेंस है वो रेडियस बनेगी। अब आप चेक करिए, अगर आर को कैपिटल आर कर दें, यहाँ पे भी आप कोई कॉन्स्टेंट ऐड कर लीजिए, तो ये फॉर्म आई के आर प्लस डेल्टा, ये फॉर्म बन गया आई के कैपिटल आर प्लस डेल्टा। तो ये इस सरफेस स्फेरिकल स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम सेम फेज में आएंगे। तो ये शेप आपको प्लेन नहीं है, अब की बार स्फेरिकल वेव शेप है यहाँ पे, इसलिए वर्ड यहाँ पे आया स्फेरिकल वेव। अगर इस एरो का डायरेक्शन इनवर्ड होता तो इनकमिंग हो जाता, तब यह माइनस आ जाता, बट ये प्लस है, इसलिए इस वेव की वेलोसिटी सेंटर से अवे में होगी, आउटर की तरफ होगी, इसलिए आउट गोइंग स्फेरिकल वेव बोल रहे हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो टाइम पार्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस आई टी बाई एच क्रॉस से वेलोसिटी इसकी प्लस आएगी, पोजिशन ऑफ टाइम बिहेवियर अपोजिट साइन में है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया आउट गोइंग स्फेरिकल वेव। तो ये जो थोड़ा मैथमेटिक्स की बिहाइंड फिजिक्स है उसको थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए आप लोगों को, बाकी तो आप मेमोराइज ही करते जाएंगे। तो अब सभी को ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो फॉर्म था कैसे स्फेरिकल वेव है और ये कैसे प्लेन वेव है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूशन था सिर्फ एक्सपोनेंशियल आई की आर बाय आर बताता है कि इस वेवफ्रंट का शेप क्या होगा, आर जो डिवाइड में है उसका कोई रोल नहीं है वेवफ्रंट की शेप में, उसका रीजन कुछ और है जो स्कैटरिंग में बताएंगे। तो ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसी को एक्सप्रेशन से करते तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रॉब्लम, बट अगर रिलेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम इजी हो गया। पेज नंबर 13 पे आपके बल्क प्रीवियस ईयर असाइनमेंट में पेज नंबर 13 पे कॉमन डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे है और 14 पे 21, बट जो उसका कॉमन डेटा है वो पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है, और पेज नंबर 14 पे प्रॉब्लम है 22। तो ये अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे आप लोग। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, मैं कॉमन डेटा पढ़ता हूं 20 और 21 का। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई के एक्स। प्रॉब्लम नंबर 20 के लिए स्टेटमेंट में पूछा है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल के लिए जो हैमिल्टोनियन होगा वो आप पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, पोटेंशियल को सिंप्लिसिटी के लिए जीरो यूज करेंगे तो ओनली काइनेटिक एनर्जी आएगा यहाँ पे, दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर वन डायमेंशन। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिहेवियर नहीं है,
पोटेंशियल कांस्टेंट है, जीरो है, तो एच साई इक्वल्स ई साई आप अप्लाई करके साई के कोफिशिएंट को बोथ साइड से कंपेयर करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। अब आप इसको डिफरेंशियल करिए, राइट साइड एस सच है, जब डिफरेंशियल किया डबल डिफरेंशियल करना है तो वन टाइम डिफरेंशियल किया तो एक्सपोनेंशियल आई के एक्स आई के मल्टीप्लाई मिलेगा, फिर से डिफरेंशियल किया तो आई के का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर करने से ये माइनस के स्क्वायर बनेगा इस फॉर्म में। जब डिफरेंशियल किया तो एक्सपोनेंशियल आई के एक्स सेम, जब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, जब किसी को ये डाउट ना रहे कि कैसे फॉर्म सेम हो गया, जब डबल डिफरेंशियल किया फर्स्ट टर्म का तो यहाँ पे बना आई के स्क्वायर, और जब डबल डिफरेंशियल किया सेकेंड टर्म का तो यहाँ पे माइनस आई के स्क्वायर कंट्रीशन मल्टीप्लाई में आया और एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस सच रहे। अब ये माइनस आई के होल स्क्वायर और प्लस आई के होल स्क्वायर कंपेयर कर लीजिए, सिंपल स्क्वायर है तो आई का सिंपल स्क्वायर माइनस वन और माइनस आई का भी सिंपल स्क्वायर माइनस वन देगा, जो माइनस के स्क्वायर यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन लेंगे तो ये एच क्रॉस स्क्वायर, ये टर्म पहले से माइनस था और माइनस के स्क्वायर से प्लस हो गया, और जब ये कॉमन लेंगे तो फॉर्म एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स, जिस फॉर्म पे आपने ऑपरेट किया था वो फॉर्म फिर से सेम हो गया, और जब सेम हो गया तो जो साई का कोफिशिएंट है ये फिर से साई बन गया। साई का कोफिशिएंट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है तो फिर से इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत नहीं है, और कंपेयर किया तो आइगन वैल्यू मिल गया। दिस इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, थर्ड ऑप्शन। सर फ्री पार्टिकल कैसे पहचाने? फ्री स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, लिखा है ना फ्री स्पेस, क्लियर हो गया? यस सर। द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, साई दिया है, इस साई का रियल पार्ट निकालना है। तो यहां से डिमोइवर थ्योरम से इसको ब्रेक करेंगे तो कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स, और वहां पे जो रियल पार्ट है सिर्फ कॉस के एक्स बनेगा, और यहां पे जो रियल पार्ट बनेगा वो टू कॉस के एक्स बनेगा, इमेजिनरी पार्ट मैंने यहां से हटा दिए, तो रियल ऑफ साई है यहां पे थ्री कॉस के एक्स। और जब यहां से सपोज इसको मैंने साई डैश कर दिया, और जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रियल कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको जीरो बताया हुआ है, चाहे आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। पेज नंबर 14 पे प्रॉब्लम नंबर 22 का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। Consider the wave function A exponential IKR multiplied by R naught by R, where A is normalization constant. For R equals to R naught, the magnitude of probability current density up to two decimal places in units of A square H cross K by M. ये आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे पहले अगर फाइंड कर लें तो ए और आर नॉट कांस्टेंट है, आर इसका जो
एक्सपोनेंशियल आई के आर से वेलोसिटी बनेगा वो एच क्रॉस के मैग्नीट्यूड बाई एम बनेगा, और जब साई स्टार साई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर हट जाएगा, ए आर नॉट बाई आर का मॉड स्क्वायर बनेगा, और जब मॉड स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर किया हुआ है, इट मींस वो ए रियल रहा होगा यहाँ पे, इसलिए ये सिंपल स्क्वायर में बन गया, बाकी मॉड स्क्वायर बनेगा। करेक्ट फॉर्म बनेगा ए मॉड स्क्वायर, आर नॉट और आर रियल हैं तो आर नॉट बाई आर स्क्वायर एच क्रॉस के बाई एम, ये फॉर्म बनना चाहिए था, बट ये यूनिट जिसमें यूनिट में पूछा है वहां ए स्क्वायर किया हुआ है। अब आपको पूछा है आर इक्वल्स टू आर नॉट पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे प्लेस करेंगे आर को टू आर नॉट, तो ए मॉड स्क्वायर एस एच, और ये आर नॉट बाई आर स्क्वायर वन बाई फोर कंडीशन देगा एच क्रॉस के बाई एम, और जिस यूनिट में पूछा है उसका कोफिशिएंट चेक कर लीजिए। भाई कोफिशिएंट वन बाई फोर है तो दैट इज 0.25 इन डेसिमल, तो ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के बाई एम का जो कोफिशिएंट है वो 0.25 है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 11 पे, प्रॉब्लम नंबर 2, इसको भी सेंड कर देंगे ग्रुप में। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, जितना अच्छे से आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अब स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड थियोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, फॉर्मूला है कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन पे चले जाएं सीधा, क्वेश्चन का जाने के मतलब आप उसके मेथड को रटेंगे, रीजन नहीं जान पाएंगे कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, तो खुद से प्रॉब्लम तभी करेक्टली सॉल्व हो पाएगा जब आप एग्जाम के सिचुएशन को साथ के साथ फेस करते जाएं, और उसको फेस करने के लिए आपको कोई भी टॉपिक का जो मैं थ्योरी पार्ट बताता हूँ वो अच्छे से पता हो, फिर स्टेटमेंट से उसको रिलेट करें कि क्या गिवन डेटा है और क्या फाइंड करना है, उन दोनों को रिलेट करने के लिए हमने क्या पार्ट पढ़ा हुआ है, फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये मिस सेंड कर दिया हो तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। A particle of mass m in one dimension is in a state psi function of time and position x and t. A exponential of I px minus I et by h cross plus B exponential of minus I px माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ये आपको अब की बार यहां प्रोडक्ट नहीं है, अब की बार एडिशन है। सपोज ये मैंने साई वन एज्यूम कर लिया और ये साई टू एज्यूम कर लिया, तो साई वन से मैंने सेपरेटली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी शॉर्ट वे में फाइंड कर लिया, इससे फाइंड किया तो S1 फाइंड हो गया वो, और S1 फाइंड करने के लिए आप चेक करिए यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं था, वो साई स्टार साई में एलिमेंट हो गया, और वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता चला P वेक्टर बाई M। साई टू आपको यहाँ पे पता है B एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई पी एक्स माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, तो यहां से हमें S2 पता चल गया psi 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज B मॉड स्क्वायर, बट इन psi 1 psi 2 वेव्स का जो वेलोसिटी है एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पे पोजीशन और टाइम पार्ट सेम डिफरेंट साइन में, तो यहां वेलोसिटी प्लस पी वाई एम, और यहां पे अपोजिट साइन में है तो यहां पे इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट वेलोसिटी आएगा, दैट इज माइनस पी वाई एम।
अब जो करंट डेंसिटीज हैं वो वेक्टर हैं, तो इस साई के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगा वो दीज टू करंट डेंसिटी का रिजल्टेंट आएगा। और ये करंट डेंसिटीज आप यहां पे प्लेस करीजिए, टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, डिफरेंस के इक्वल बनेगा, ये बी मॉड स्क्वायर है। तो ए मॉड स्क्वायर माइनस बी मॉड स्क्वायर पी बाई एम, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। मैंने सेपरेट करके सॉल्व कर दिया, चाहे तो आप साई गिवन है साई स्टार फाइंड करके डेल साई स्टार फाइंड करके एक्सप्रेशन में प्लेस कर लें तब भी यही रिजल्ट बनेगा। अगर वेव फंक्शन में सम है तो इंडिविजुअल फंक्शन का एस वन एस टू फाइंड करें और उनको साइन इंक्लूड करते हुए वेक्टर सम कर दें, उससे आपको रिजल्टेंट फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इजी वे में फाइंड हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो आपको कंफर्म हो गए। सम टाइम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो मैं पहले हिंट किया था लास्ट लेक्चर में कि उसका रियल करंट से कोई मीनिंग नहीं है, एनालॉजी जस्ट कर रहे हैं। रियल करंट जैसे आप एमीटर से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वह जस्ट एनालॉजी जो आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, वो एनालॉजी से आप वहां पे करंट वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी करंट की यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं हो रही है। जैसे रियल करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, प्रोबेबिलिटी करंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। रियल करंट का जो यूनिट है वो आप एम्पियर पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी का यूनिट आप कैलकुलेट कर लेंगे वहां से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का उसके कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जरूरी नहीं कि यूनिट कूलम पर सेकंड को आप एम्पियर लिख पाए, यहाँ पे कूलम पर सेकंड ही यूनिट बने। तो सम टाइम आपको अगर यूनिट कंपेयर करना है यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन पोजिशन स्पेस, अभी जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने पोजिशन स्पेस में ही बताए, यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तब यहां पे भी यूनिट में मिस्टेक हो सकता है। करेक्ट यूनिट जो आप फाइंड कर पाएंगे वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के रिगार्डिंग ही फाइंड कर पाएंगे। अब ये डायमेंशन वाइज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का यूनिट आपको पहले बताया हुआ है, साई के लिए जो यूनिट था वन डायमेंशन में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए, यूनिट आपको बताया वन बाई स्क्वायर रूट डिस्टेंस। एम के यूनिट में जाएंगे तो वन बाई मीटर पावर हाफ। अब आपको यूनिट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एस का एक्सप्रेशन पता है, साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी से इजीली फाइंड कर सकते हैं, साई मॉड स्क्वायर का यूनिट पता चल गया आपको। अगर एमकेएस यूनिट सिस्टम ले रहे हैं तो साई मॉड स्क्वायर का यूनिट पता चल गया, दैट इज वन बाई मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड इनवर्स आया वन डायमेंशन में। जबकि रियल करंट डेंसिटी पे जाएंगे तो वहां पे कुछ और यूनिट बनेगा, एम्पियर पर मीटर बनेगा। तो यहाँ पे कूलॉम पार्ट नहीं आया,
इससे आपको कंफर्म हो रहा है कि इसकी यूनिट को आप एम्पियर में रिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से करंट बनाएंगे भी तो करंट डेंसिटी से करंट बनाने के लिए आप इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट बनेगा फिर से वो एम्पियर नहीं बनेगा। टू डायमेंशन पार्ट के लिए फिर से चेक कर सकते हैं, यूनिट ऑफ साइज मॉड स्क्वायर आपको बताया हुआ है। एमकेएस यूनिट में 1/मीटर स्क्वायर। तो आप करंट डेंसिटी का यूनिट लिख सकते हैं। फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे, 1/मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो चाहे जिस डायमेंशन में वेलोसिटी मेजर कर लें मीटर पर सेकंड आएगा। तो यूनिट बना मीटर पावर -1 सेकंड पावर -1। जब कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मॉड क्यों ले रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का यूनिट अलग अलग होता है क्या? यूनिट मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बाकी तो वेक्टर में डायरेक्शन, जैसा आपको ये बताता है कि रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग है या अपोजिट है, यूनिट तो दोनों का सेम ही होगा। हर्षित खंडेलवाल क्लियर हो गया? थ्री डायमेंशन में आप कैलकुलेट करिए बहुत जल्दी से यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट ऑल डायमेंशन में सेम रहेगा, ओनली साई मॉड स्क्वायर का यूनिट चेंज होता जाएगा। और थ्री डायमेंशन में नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में मॉड स्क्वायर के लिए यूनिट बताया था 1/मीटर क्यूब। तो जैसे जैसे डायमेंशन को इंक्रीज करते जाएंगे मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग पावर में चेंज होता जाएगा, बाकी सेकेंड इनवर्स एज सच रहेगा। तो अगर n डायमेंशनल के लिए जनरलाइज करना हो, n डायमेंशनल पोजिशन स्पेस के लिए यूनिट ऑफ s, तो मीटर पावर n बनेगा n-1, मीटर पावर यहां पे लास्ट में, यहां मीटर पावर n और मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पावर -n-1 सेकेंड इनवर्स। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, n को 3 किया तो ये -2, n को 2 किया तो ये -1, n को 1 किया तो ये 0। किसी भी डायमेंशन के लिए आप इसको पोजीशन स्पेस में फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का यूनिट फाइंड करेंगे वो पहले बता दिया, कैसे आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट फाइंड करेंगे वो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। ओनली ये एक्सप्रेशन अगर पता है तो आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। साई मॉड स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट मिल जाएगा। जो आपको आप नोटबुक के स्टार्टिंग के पेजेस ब्लैंक रखने के लिए बोला था उन पे आप कुछ मैथमेटिक्स फिर से नोट करेंगे ड्रैग डेल्टा के रिगार्डिंग। जो आगे कहीं यूज होगा तो आप फिर से यूज कर सकते हैं, सर्च नहीं करना पड़ेगा। ड्रैग डेल्टा डेल्टा एक्स माइनस ए, ये डेफिनेशन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यूज वाइज इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि अगर ये वैल्यू कब जीरो होगा कब इन्फिनिटी होगा। ये टू वैल्यूज पढ़ते हैं आप लोग ड्रैग डेल्टा के लिए वैल्यूज। अगर एक्स नॉट इक्वल टू ए है तो ये जीरो, और एक्स इक्वल टू ए है तो इन्फिनिटी। एक आइडल ड्रैग डेल्टा को आप लोग प्लॉट करते हैं,
तो यहाँ पे x इक्वल्स a पे एक अब ये स्पाइक शो करते हैं, ये लाइन आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे आइडल ड्रैग डेल्टा के लिए। x इक्वल्स a पे x के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, बट इसी को सम टाइम आप सम बुक्स में लाइक दिस ड्रॉ किया होगा कि x इक्वल्स a पे आप एक स्पाइक शो कर देते हैं। ड्राग डेल्टा का एक इंटीग्रल डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे, ये वन डायमेंशनल ड्राग डेल्टा है, तो 1/2 pi माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस और माइनस, कोई भी साइन ले सकते हैं एक्सपोनेंट में, यहां से आपको ये कंफर्म होगा कि ड्रैग डेल्टा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है जो भी वेरिएबल होगा उसके इनसाइड में। तो यहां पे कंपेयर कर सकते हैं 1/2 pi माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई के एक्स माइनस है, ये ड्रैग डेल्टा का इंटीग्रल पार्ट का डेफिनेशन है। समटाइम सम स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करें, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, बहुत इजी वे है, इसके आर्गुमेंट में जो भी टर्म ले रहे हैं उसके अवे इसके उसके अनदर पार्ट पे आपको इंटीग्रल करना है, उस पे इंटीग्रल नहीं करेंगे जो आर्गुमेंट में एक्स था। तो मैंने यहाँ पे चेक करिए के एक्स मल्टीप्लीकेशन लिया, तो एक्स पे इंटीग्रल कर देते तो ये लिमिट से एक्स पार्ट तो हट जाता, बट वो प्रेजेंट रखना है, इसलिए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में आप उस पे इंटीग्रल करेंगे। समटाइम ये वाई हो सकता है, के हो सकता है, कोई अनदर पार्ट हो सकता है। तो ये डेफिनेशंस आपको ड्रैग डेल्टा के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड होंगी, तो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है डेफिनेशन। अगर इसी में ए को जीरो कर दें तो डेल्टा एक्स आपको पता चल जाएगा, ये एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का कंसेप्ट यहां पे बनेगा अगर डेफिनेशंस इसका यूज करने लगे जीरो और इन्फिनिटी। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे जीरो और x इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी, इसी का इंटीग्रल पार्ट जाएंगे, तो 1/2 pi ओनली a को जीरो करना है वहां, तो ये ड्रैग डेल्टा का डेफिनेशन इंटीग्रल पार्ट बनेगा। एक डेफिनेशन और इंटीग्रल पार्ट को जब इसको इंटीग्रल करेंगे लिमिट को थोड़ा लिमिट टेंड्स टू जीरो पार्ट के लिए कन्वर्ट करें तो यही साइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा डेल्टा ऑफ एक्स। तो लिमिट जी टेंड्स टू इंफिनिटी साइन जी एक्स बाई पाई एक्स, ये भी ड्रैग डेल्टा का डेफिनेशन है, ये इसी को इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्ट बनेगा। एक और डेफिनेशन आगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में रिक्वायर्ड होता है, उसको भी साथ के साथ नोट कर लें, जहां पे रिक्वायर्ड होंगे वो आप यूज करते जाएंगे। जी टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर टर्म बनेगा साइन स्क्वायर जी एक्स बाई पाई जी एक्स स्क्वायर, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में रिक्वायर्ड होगा। तो ये वैल्यूज वाइज डेफिनेशन, ये इंटीग्रल डेफिनेशन और ये साइन के फॉर्म में डेफिनेशन है, जो रिक्वायर्ड होगा उसको आप यूज करते जाएंगे। अब एक और बेनिफिट है साइन वाले डेफिनेशन का, ये ड्रैग डेल्टा का यूनिट पूछ लेता है कई बार,
जो भी यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, अगर पोजिशन वेरिएबल होता तो उसके रेस्पेक्ट में आप इसका यूनिट चेक कर सकते हैं, बट किसी अनदर स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिराक डेल्टा को, तो तब यूनिट चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जितनी भी सीरीज होती हैं, साइन सीरीज, कॉस सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, वो सब यूनिटलेस होती हैं। तो ये टर्म यूनिटलेस है, साइन जी एक्स यूनिटलेस है, ओनली यूनिट स्पेस ही फाई हुआ यहाँ से 1/x से। तो डिराक डेल्टा के आर्ग्यूमेंट में जो भी टर्म होगा उसके इनवर्स का यूनिट बनेगा। यहां से आप इजीली यूनिट को कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट ऑफ डिराक डेल्टा मीन्स यूनिट ऑफ 1/ ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। इससे यहां पे आपको कंफर्म हो रहा है कि 1/x है, यहां पे x आर्ग्यूमेंट है तो 1/x का यूनिट बनेगा यहां पे। अगर x मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स यूनिट बन जाएगा। तो ये यूनिट को कंपेयर करने के लिए भी ये डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, इससे इजीली आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं जो आपको वैल्यूज से नहीं कंफर्म हो रहा था। ड्राग डेल्टा सिमेट्रिक फंक्शन है ये, आपको भी मैंने हिंट किया, इस पार्ट से भी चेक कर सकते हैं। x को माइनस x करेंगे तो इवन फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, जो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, x को माइनस x करते तो माइनस कॉमन लेके यही पार्ट बन जाता है। अब सम टाइम आप जो इंटीग्रल प्रॉपर्टीज हैं, ये इंटीग्रल डेफिनेशन है, अब ड्राग डेल्टा के आर्ग्यूमेंट में कोई फैक्टर है, वो कांस्टेंट फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, इस वो आप ड्राग डेल्टा से रिलेट करना है, तो डेल्टा ए एक्स, इसको मैं शो कर देता हूं फिर आगे इसको रिलेट कर पाएंगे। मैंने एक्सपोनेंट में कोई एक साइन इंक्लूड कर लिया, जो दोनों साइन अवेलेबल थे कोई एक साइन मैंने इंक्लूड कर लिया और ये डेफिनेशन रख दिया है। चेक करेंगे यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट में था वो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे और कोई एक साइन मैंने यहां से ले लिया है, तो ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे जो के प्रोडक्ट है इसको किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, इसको सपोज मैंने के डैश कर दिया, लिमिट पे जाएंगे तो के माइनस इन्फिनिटी, के डैश इज माइनस इन्फिनिटी, के प्लस इन्फिनिटी, देन के डैश इज प्लस इन्फिनिटी। तो डेल्टा ए एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल प्लस आई के डैश, इस के को मैंने के डैश कर दिया एक्स, और ये डी के को आप कंपेयर करिए, डी के को आप लिख सकते हैं डी के डैश बाई ए, और डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिजल्ट होता है वो सेम रहता है। तो इस पार्ट को लिख सकते हैं फिर से 1/a 1/2 π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल प्लस आई के डैश एक्स डी के डैश, और ये फिर से आप कंपेयर करिए, इसको ड्राग डेल्टा लिख सकते हैं। तो ड्राग डेल्टा के आर्ग्यूमेंट में अगर एक्स के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। सिमिलर अप्रोच अगर कोई आप एक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से आप स्टेप्स रिपीट कर देंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो लाइक दिस आप इंटीग्रल प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर एक जो मैग्नीट्यूड होगा या प्लस माइनस यदि ले लिए, क्या जी सर ए यदि माइनस ए ले लिए, माइनस ए ले लिए तो आप जो डेफिनेशन है, क्योंकि ड्राग डेल्टा सिमेट्रिक फंक्शन है, वो माइनस इसके साथ एडजस्ट कर लिया, लास्ट में फिर से डेल्टा एक्स कर सकते हैं उसको, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे वहां पे, तब भी सेम ही आएगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। For any continuous function f(x),
फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन fx इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी fx डेल्टा x माइनस a लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है then this sum is f dash of a sorry f of a this sum is f of a इसी में समटाइम डेरिवेटिव का रिजल्ट पूछा जाएगा f dash x this term represent derivative this term is minus of f dash a f dash of x is df by dx तो ये इंटीग्रल प्रॉपर्टीज भी रिक्वायर्ड होंगी बट अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाए अगर लिमिट x1 टू x2 है मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं सिमिलर अप्रोच आप आगे अप्लाई करें तो दिस वैल्यू यहाँ पे तो ऑलवेज एफ ऑफ ए था बट यहाँ पे ये जीरो भी हो सकता है एफ ऑफ ए भी हो सकता है इफ दिस ए जो आर्ग्यूमेंट में आप एक से डिफरेंस कर रहे हैं लाइज बिटवीन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देन दिस इज एफ ऑफ ए अदरवाइज जीरो ऐसे आप लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेंगे और डेल्टा ऑफ एक्स का इंटीग्रल करने लगे तो ये वन आएगा डेल्टा एक्स माइनस ए डेल्टा ये टू टर्म का प्रोडक्ट है यहां पे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी तो दिस टर्म इज वन बाई मॉड ऑफ ए माइनस बी डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी ये टू ड्रैग डेल्टा के एडिशन का ये प्रोडक्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं इसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को आप एक्स स्क्वायर माइनस ये प्रोडक्ट में नोट कर सकते थे तो इस टाइम में ये इंडिविजुअल ड्रैग डेल्टा में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा तो मैंने ये ऑल पॉइंट्स बताए हैं वो ड्रैग डेल्टा में वन डायमेंशन पार्ट के लिए भी हिंट किए हैं अगर मल्टी डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा हो जाए थ्री डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा हो जाए डेल्टा आर माइनस वेक्टर आर नॉट ये थ्री डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा है तो थ्री डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा के लिए वेक्टर आर को तो आप नॉट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और कांस्टेंट वेक्टर आर नॉट को आप एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप लाइक दिस नॉट करेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये थ्री डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा इंडिविजुअल ड्रैग डेल्टा इंडिविजुअल डायरेक्शन के ड्रैग डेल्टा का प्रोडक्ट आएगा फिर थ्री डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा पे या फोर डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा पे साथ मैथमेटिकल फिजिक्स के थ्रू जेस्ट पेपर में या टीफर में कोई एक बार क्वेश्चन पूछा है वहां पे फोर डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा का पार्ट है अगर इसी को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में नोट करना हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आप r थीटा फाई का कंसेप्ट यूज करेंगे तो r स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड में आएगा डेल्टा r माइनस r नॉट ये मैग्नीट्यूड बाट में चले गए यहां पे r और r नॉट के ऐसे ही डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट एंड डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट तब ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बनेगा अगर आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी यूनिट स्टेप फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेते हैं डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं आप लोग कोई यूनिट स्टेप फंक्शन ले रहे हैं जिसकी वैल्यू वन और जीरो है एक्स की एक पर्टिकुलर साइड ये वन है और एक्स की एक अनदर साइड ये जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो पर डिस्कंटिन्यूअस है तो सम टाइम इसके डेरिवेटिव को यूनिट स्टेप फंक्शन के डेरिवेटिव को आप ड्रैग डेल्टा से रिलेट करते हैं तो ये पॉइंट्स आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो इनको आप आगे अप्लाई कर सकते हैं
ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखा था वन पावर डेरिवेटिव, अगर इसको एनएथ पावर के लिए रिलेट करना होगा तो इस एनएथ पावर से भी आप इसको रिलेट कर सकते थे, तब यहाँ माइनस वन पावर एन बन जाएगा अगर ये एनएथ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सब रिलेट कर सकते हैं। तो ये आगे जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दैट टाइम पे भी हो सकता है ये आपको रिक्वायर्ड हो। तो पहले ही मैंने आपको डिराक डेल्टा के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बता दिए, अगर कहीं एप्लीकेबल होंगे तो आप उनको यूज कर लेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो रिक्वायर्ड होगा कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। सर प्रीवियस पे दिखाना। हाँ जी ओके सर। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे जो मैंने एक साथ नोट करा दिए, नहीं तो जहां यूज होता फिर वो बताना पड़ता बार बार, तब डाउट होता। तो कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन सर इसे भी वही नोट करना है? नहीं ये न्यू टॉपिक है, ये तो कंटिन्यू करेंगे जहां पे चल रहा होगा। ठीक है, वो मैथमेटिक्स जो था वो आपको स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखना है, अब ये न्यू टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो जहां पे आप लोग नोट किए हैं पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के क्वेश्चंस जहां पे लास्ट किए हैं ये, ठीक है वहां से आगे कंटिन्यू कर देंगे। कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन इन डिफरेंट स्पेस, पोजीशन से मोमेंटम में या मोमेंटम से पोजीशन में, लाइक दिस आपको कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये कन्वर्जन के लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो आप मैथमेटिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, इन कंटिन्यूस वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, एक आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, फोरियर सीरीज नहीं फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको कोई पोजिशन स्पेस में वेव फंक्शन दिया है और आपको ट्रांसफॉर्म करना है वो अनदर स्पेस में, या आपको किसी अनदर स्पेस में दिया है उसको पोजीशन में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक आप वर्ड यूज करेंगे डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप कोई रेफरेंस ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि किसको आपको फोरियर कहना और डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहना, किसी किसको इनवर्स करना है, किसी को भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं और अनदर को आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। बट अगर आप यहाँ पे रेफरेंस लें प्लेन वेव पोजीशन स्पेस में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वेलोसिटी का अगर आपको कोई आइडिया है, प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्म पता है, इसका जो फेज पार्ट होगा एक्सपोनेंशियल आई के एक्स बनेगा। अगर यहां पे टाइम पार्ट भी इंक्लूड करना हो तो ये प्लेन वेव बन गया। प्लेन वेव का फेज पता चल गया कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मोशन है तो ये फॉर्म बनना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो उस पर्टिकुलर वेव की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। सपोज मैंने एम्पलीट्यूड जो पहले ए लिख रहे थे, जनरली एम्पलीट्यूड वेरिएबल है और मैंने उसको फाई के लिख दिया, बट जब लार्ज नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन करेंगे तो वेव पैकेट बनेगा। सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसको सुपर इंपोज करने के लिए आप इंटीग्रल करेंगे और के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एम्पलीट्यूड में चेंज है तो वेरिएबल यहां पे के है, के की लार्ज वैल्यूज को एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप सुपर इंपोज करेंगे और सुपर पोजिशन के लिए यहां पे
इंटीग्रल करेंगे, k की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, इसलिए इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पे एक कन्वर्जेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं 1/√2π, दिस इज द वेव फंक्शन इन पोजिशन स्पेस। k पे इंटीग्रल कर दिया तो इस वेरिएबल में, इस नोटेशन में k और x जो फॉर्म ले रहे थे k एलिमिनेट हो गया, ओनली x का फंक्शन बचेगा और टाइम का फंक्शन बचेगा। तो दिस इज द वेव फंक्शन इन पोजिशन स्पेस। ये आप तब यूज करेंगे जब आपको फाई के दिया होगा, और फाई के क्या है, वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन के स्पेस और वेव फंक्शन इन के स्पेस, वेव वेक्टर स्पेस। एंड साई एक्स टी इज द वेव फंक्शन इन पोजिशन स्पेस। अगर टाइम पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोजीशन और के स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना है, टाइम पार्ट अनचेंज रहता है, तो टी इक्वल जीरो कर सकते हैं यहाँ पे, एट टी इक्वल जीरो टाइम पार्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो अनचेंज रहेगा, ओनली पोजीशन और वेव वेक्टर को रिलेट करेंगे। तो ये फॉर्म बनेगा 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आई के एक्स डी के, फाई के यहाँ पे छूट गया है, फाई के नॉट कर लेंगे। फाई के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स डी के, ये एक्सप्रेशन तब यूज करना है जब आपको वेव फंक्शन वेव वेक्टर स्पेस में गिवन होगा और पोजीशन स्पेस में फाइंड करना है, क्योंकि इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल तभी कर सकते हैं जब फाई के नोन हो। हो सकता है मैथमेटिकल फील्ड में आपको इसको कहें कि डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, और इसका इनवर्स करेंगे तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो साई एक्स पोजिशन स्पेस में वेव फंक्शन फाइंड करना है और फाई के आपको गिविन होगा, तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर इसी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करना हो, वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस, वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस आपको फाई के फाइंड करना है। अब यहां पर टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम मैंने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि टाइम का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है यहां पे, ओनली पोजिशन और के का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये फिर से लिमिट एक्स के लिए अब की बार यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब की बार साई एक्स गिविन है, बट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका हर्मिशियन एडजॉइंट प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस आई के एक्स आ जाएगा। तो ये आपको वेव फंक्शन वेव वेक्टर स्पेस बनेगा। एक बार मैं फिर से हिंट कर रहा हूं, समटाइम आप इसको डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, इसको इनवर्स कहेंगे, समटाइम आप इसको डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे तो इसको इनवर्स कहेंगे, सम टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2π फैक्टर बन दिया होगा, बट क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन दिया है तो ये √2π से आंसर चेंज किए होंगे, अगर डेफिनेशन नहीं दिया है तो ओनली वेरिएबल पार्ट को वहां पे फोकस किया होगा, तो ये जो √2π फैक्टर है तो वहां पे इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्लियर करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो ये वन डायमेंशनल पार्ट के लिए, वन डायमेंशनल स्पेस के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साई से फाई में और फाई से साई में, ये वन डायमेंशनल स्पेस के लिए है। अब यही कन्वर्जन है आपको मल्टी डायमेंशन में करने हो, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में करने हो, तो ओनली चेंज क्या होगा कि यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है, जो इंटरवल पार्ट थे वन डायमेंशन में लाइन एलिमेंट, टू डायमेंशन में एरिया और थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम एलिमेंट बनने से ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ईच इंटीग्रल के लिए ये √2π फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड होता चला जाएगा। तो अगर यही पार्ट को आप थ्री डायमेंशन के लिए नोट कर रहे होते तो r वेक्टर जिसको आप लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, k को आप नोट करेंगे kx प्लस के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और के डॉट आर जब आप ओपन करेंगे
प्लेन वेव के लिए, तो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, ये फॉर्म बनेंगे। तो आपको फाइंड करना है फाई फंक्शन ऑफ आर। तो ये एक्स कोई एक कंपोनेंट आपने यहां पे नोट कर लिया एक पार्ट, तो ईच डायरेक्शन के लिए 1/√2π कंट्रीब्यूशन था, और थ्री डायरेक्शन के लिए ये क्यूब हो गया। ईच कंपोनेंट के लिए वन इंटीग्रल, थ्री कंपोनेंट है तो ये ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। साई फंक्शन ऑफ आर गिवन होगा, इसको आप साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी लिख सकते, एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ये लिख सकते हैं, और साई फंक्शन ऑफ आर भी लिख सकते थे। एक्सपोनेंशियल ये फैक्टर पे जाइए, यहाँ पे माइनस आई के डॉट आर में इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और पोजिशन पे आप इंटीग्रल करेंगे इसे, पोजिशन ये टर्म था फाइव के, यहां पे मिस्टेक हुआ, इसी को आप लिख सकते थे फाइव फंक्शन ऑफ के एक्स के वाई एंड के जेड। पोजिशन स्पेस में वेव फंक्शन दिया है, मोमेंटम वेव वेक्टर स्पेस में फाइंड करना है, तो आप पोजिशन पे इंटीग्रल करेंगे, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये k डॉट r आप यहाँ पे लाइक दिस ओपन कर सकते थे, एक एक्सपोनेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स एक्स बनेगा, एक एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वाई वाई, और एक एक्सपोनेंशियल माइनस आई के जेड जेड। अब इसी को अगर आपको पोजिशन स्पेस में फाइंड करना होता, वेव वेक्टर स्पेस में दिया होता, तो फैक्टर पे जाएंगे फिर से सेम बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल रहेगा, अब की बार आपको फाई गिवन होगा, वेव वेक्टर स्पेस में गिवन होगा और पोजीशन में फाइंड करना है, तो कंपेयर करें तो साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस से प्लस आ गया, और अब की बार जो वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा वो वेव वेक्टर स्पेस का बनेगा, तो डी के एक्स डी के वाई डी के जेड। तो लाइक दिस आप थ्री डायमेंशन में कन्वर्जन करेंगे। सिमिलर अप्रोच से टू डायमेंशन में ये डबल इंटीग्रल और ये 2π/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। मैंने 1 के लिए बता दिया, 3 के लिए बता दिया, लाइक दिस आप 2 डायमेंशन के लिए भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कि पोजीशन से मोमेंटम, पोजीशन से k स्पेस में, x से k स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या k से x में कर रहे हैं। सम टाइम आपको पोजीशन से मोमेंटम में ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, पोजीशन टू मोमेंटम और मोमेंटम टू पोजीशन। ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन टू मोमेंटम स्पेस और मोमेंटम टू पोजीशन स्पेस। तो दीज इंटीग्रल फॉर्म में क्या चेंजेस होंगे, पहले वन डायमेंशन पे जाएं, फिर उसको मल्टी डायमेंशन में जनरलाइज करें। वन डायमेंशन में ये पार्ट था, तो जहां पे अब की बार मोमेंटम स्पेस का कंसेप्ट होगा, तो वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो मोमेंटम स्पेस में दिया होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे फाइव पी से। हमें साई एक्स फाइंड करना है और फाइव पी गिविन है, तो एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट होगा वहां पे के को पी बाई एच क्रॉस से रिलेट करेंगे, ये डीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉर्मलाइज फंक्शन का यूनिट करेक्टली मैच करे तो जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर था वो भी मॉडिफाई होगा, एंड दिस टर्म इज स्क्वायर रूट 1/√2π एच क्रॉस इन वन डायमेंशन। तो दिस इज द कन्वर्जन रिलेशन फॉर वेव फंक्शन फ्रॉम मोमेंटम टू पोजिशन स्पेस। जो वेव वेक्टर स्पेस है के स्पेस, वो इनडायरेक्टली मोमेंटम का ही एक अनदर पार्ट है, जिसमें एक कॉन्स्टेंट फैक्टर से आप मॉडिफाई कर रहे हैं। पी और के में रिलेशन पता है, पी इक्वल्स एच क्रॉस के, तो एच क्रॉस वेरिएबल नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट फैक्टर है। अगर एच क्रॉस को वन कर दें तो के स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों सेम हो जाएंगे,
और स्पेशली आपको के स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं रेसिप्रोकल लैटिस पार्ट के लिए। अब इसी का मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन अगर फाइंड करना होगा तो साई एक्स गिवन होगा, ये कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई फंक्शन ऑफ एक्स, बट दीज टू में एक्सपोनेंट में साइन चेंज होगा। ये वन डायमेंशन पार्ट के लिए मैंने इंटीग्रल फॉर्म आपको हिंट कर दिया। तो पोजीशन टू मोमेंटम और मोमेंटम टू पोजीशन, अगर के से पी में जाना हो तो कोई न्यू चेंज नहीं होगा, वेरिएबल में आपको डायरेक्ट के प्लेस पे पी वाई एच क्रॉस रिप्लेस करके भी आप कर सकते हैं। जो कैनोनिकली कंजुगेट स्पेस है वो पोजीशन और मोमेंटम है, पी स्पेस से रिलेटेड के स्पेस है। अब अगर थ्री डायमेंशन में ये एक्सप्रेशन को चेक करना हो तो सिमिलर अप्रोच है, थ्री डायमेंशन पार्ट के लिए साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और साई फंक्शन ऑफ आर उसको नोट कर सकते हैं, दैट इज वन बाई स्क्वायर रूट टू पाई एच क्रॉस, वन डायमेंशन के लिए था, थ्री डायमेंशन के लिए पावर थ्री कर दिया मैंने, ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा, ईच कंपोनेंट पर आप सेपरेटली इंटीग्रल करेंगे, आपको गिविन होगा फाई फंक्शन ऑफ थ्री कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड। एक्सपोनेंशियल आई पी डॉट आर बाई एच क्रॉस डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अगर मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन गिवन है पोजिशन में फाइंड करना है तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, अगर आपको पोजिशन स्पेस में गिवन है मोमेंटम में फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर सेम रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रल फिर से सॉल्व करना है, ओनली जो स्पेस का वेव फंक्शन गिवन है उसको ही तो आप इंटीग्रल कर पाएंगे, तो साई यहां पे गिवन होगा और फाई हमें फाइंड करना है, बट ये एक्सपोनेंट में साइन चेंज करना है। इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये थ्री डायमेंशन में फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोजीशन टू मोमेंटम और मोमेंटम टू पोजीशन स्पेस आपको नोट कर दिया। मैथमेटिकल इंटीग्रल पार्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वहां पे आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ये कॉन्स्टेंट वहां पे कुछ और डिफाइन करे, तो ये भी आप अलर्ट रहेंगे कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम मैथमेटिकल फिजिक्स के थ्रू पूछा हो या क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पूछा हो। तो मैंने पहले ही आपको हिंट कर दिया कि ऑप्शन में अगर ये फैक्टर से आंसर चेंज किया है तो उस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं डेफिनेशन डिफाइंड किया होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, अदरवाइज ओनली वेरिएबल पार्ट आपको क्लियर करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे पोजिशन से के स्पेस में और पोजिशन से मोमेंटम और वाई से वर्षा आपको रिलेशंस नॉट करा दिए। मोस्टली प्रॉब्लम वन डायमेंशन पे पूछा जाता है तो वन डायमेंशन के फॉर्म तो जरूर आपको मेमोराइज होने चाहिए तभी आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कोई एक मेमोराइज कर लें अनदर को आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। साई एक्स के लिए मेमोराइज कर लें क्योंकि यहाँ पे साइन मैंने रेफरेंस बता दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए प्लस लेना है, जो भी ये रेफरेंस लिया है मैंने ये जो नोट कराया है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए साई एक्स जब मैंने नोट कराया तो एक्सपोनेंट को प्लस लिया था पोजिशन स्पेस के, फिर उसका जस्ट इनवर्स किया तो यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस आ गया, ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसको रेफरेंस लेंगे तो इजीली आप एक्सप्रेशन को नोट कर पाएंगे। आपको पोजिशन स्पेस के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का आइडिया था, पोजिशन स्पेस के लिए फिजिकल मीनिंग का आइडिया था कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स स्पेस, व्हाट रिप्रेजेंट साई एक्स मॉड स्क्वायर डीएक्स, व्हाट रिप्रेजेंट साई एक्स मॉड स्क्वायर,
what represent integration psi x mod square x1 x2, and what represent integration minus infinity to plus infinity psi x mod square dx. ये फॉर्म आपको पहले बताए हुए हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन था, ये टर्म के मीनिंग बताए हुए हैं। ये टर्म एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए शार्प वैल्यू पोजीशन के लिए प्रोबेबिलिटी बताता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको बताया था, ये सब पॉइंट्स पोजीशन स्पेस में पहले बताए हुए हैं। ये फर्स्ट टर्म साई मॉड स्क्वायर डीएक्स आपको एक स्मॉल इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी बताता है। तो जस्ट रिकॉल करने के लिए मैं इसको फिर से नोट कर रहा हूं। लाइज इन स्मॉल इंटरवल, बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डीएक्स, इंटरवल से डिवाइड किया तो शार्प वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी, लार्ज रीजन के लिए इंटीग्रल पार्ट बताया हुआ। तो ये सब रिकॉल हो गए आप लोगों को, पोजीशन स्पेस में पॉइंट्स बताए हुए। अब अगर इसी को फाई पी के लिए पोजीशन मोमेंटम स्पेस के लिए नोट करना हो या के स्पेस के लिए नोट करना हो तो सिमिलर अप्रोच होगा, फंक्शन फाई पी मॉड स्क्वायर डीपी, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स मोमेंटम लाइज इन स्मॉल रीजन P2P plus DP। चेक कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज किया पोजिशन से, अब की बार मोमेंटम चेंज हुआ तो मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी का आइडिया देगा ये 5P mod square DP, एंड 5P mod square अगर इंटरवल से डिवाइड कर दें तो दिस टर्म रिप्रेजेंट मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे यहां पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा ये टर्म, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीजरिंग और फाइंडिंग द शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम। और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन स्टेट 5p, अब इसी में अगर आप इंटीग्रल कर दें मोमेंटम की पर्टिकुलर वैल्यूज पे तो लार्ज लिमिट के इनसाइड में आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मोमेंटम और मीजरिंग द पार्टिकल्स मोमेंटम lies between P1 to P2। तो ये लार्ज वैल्यूज के लिए इंटीग्रल करना है। तो सिमिलर आपको फिजिकल मीनिंग पहले बताए हुए हैं पोजिशन के टर्म्स में, अब यहां पे मोमेंटम में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सिमिलर कंडीशन P की वैल्यू ऑल स्पेस के लिए माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी अगर हम मीजर करने लगे तो पार्टिकल का मोमेंटम कहीं ना कहीं किसी मोमेंटम को जरूर अप्रोच कर जाएगा, और जब अप्रोच करेगा तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मोमेंटम स्पेस के लिए 5p mod square dp इज इक्वल टू 1 बनेगा, एंड दिस टर्म इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ मोमेंटम स्पेस। normalization condition
इन पी स्पेस और मोमेंटम स्पेस. तो लाइक दीज आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको ऑल टर्म्स के मीनिंग करेक्टली कंफर्म हो जाएंगे. समटाइम आपको डायरेक्ट फाइव पी दिया होगा, डेटा पी स्पेस में मेजर करना पड़ेगा. समटाइम आपको साई एक्स दिया होगा तो फाइव पी फाइंड करके आप मेजर कर सकते हैं, या आप ऑपरेटर्स को कन्वर्ट कर लें दैट पर्टिकुलर स्पेस में. सर एक बार लास्ट पेज कर दो. हाँ जी एक बार लास्ट पेज कर दो सर. देखो अभी मैंने पी स्पेस बताया, ऐसे आप के लिए नोट कर सकते थे. P को K से रिप्लेस कर दीजिए, जहां पे P नोटेशन राइट साइड में स्टेटमेंट में P नोटेशन है उसको K में कन्वर्ट कर देंगे और मोमेंटम को वेव वेक्टर वर्ड से रिप्लेस कर देंगे. सिमिलर मीनिंग आपको K स्पेस के लिए हो जाएगा. जैसे आपको इंटरप्रेट करना हो फाई के मॉड स्क्वायर डी के को, तो दैट टर्म रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स वेव वेक्टर लाइज इन द स्मॉल रीजन के टू के प्लस डी के. तो ओनली नोटेशन और वर्ड को रिप्लेस कर दें, पी को के से और मोमेंटम को वेव वेक्टर से, तो सिमिलर मीनिंग बन जाएंगे. तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी आपको पता चल गया कि पार्टिकल का मोमेंटम ऑल स्पेस में कहीं ना कहीं लाई करेगा. पी की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच कहीं ना कहीं कोई वैल्यू को जरूर अप्रोच कर जाएगा पार्टिकल का मोमेंटम. अगर इसी का मल्टी डायमेंशन पार्ट जाएंगे तो ये थ्री डायमेंशन पर आप इसको इंटीग्रल टू डायमेंशन पर इंटीग्रल कर सकते हैं. मैंने वन डायमेंशन के लिए ऑल पार्ट आपको रिलेट कर दिए. जैसे पोजिशन स्पेस में पोजिशन ऑपरेटर और एनी फंक्शन ऑफ पोजिशन मल्टीप्लिकेटिव नेचर रखता है, इन पोजिशन स्पेस, ये आपको लास्ट लेक्चर में हिंट कराया है, इन पोजिशन स्पेस पोजिशन ऑपरेटर and any function of position operator have multiplicative nature, only multiply karna hai. So same way mein इन मोमेंटम स्पेस पोजिशन स्पेस ऑल स्पेस में मल्टीप्लिकेटिव नेचर नहीं है पोजिशन ऑपरेटर का, ओनली पोजिशन स्पेस में है. तो इन मोमेंटम स्पेस पोजिशन स्पेस का नेचर मल्टीप्लिकेटिव नहीं आएगा, कोई और नेचर बनेगा, बट मोमेंटम स्पेस का नेचर यहाँ पे मोमेंटम स्पेस में कंफर्म रहेगा. इन मोमेंटम स्पेस मोमेंटम ऑपरेटर and any function of momentum operator have multiplicative nature. So like these points आपको problem के लिए required होंगे. अभी कुछ पॉइंट्स और बताने हैं इसी में जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तब तक ये जो एक्सप्रेशंस और इंटरप्रिटेशन बताया है मैंने, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया है, उसको जरूर आप एक बार रिवाइज करके लाएंगे. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सर हाँ जी सर, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर है तो जिसका ऑपरेटर है उसके जो रेस्पेक्टिव ऑपरेटर जिसके रेस्पेक्टिव स्पेस में है उसका हमेशा मल्टीप्लिकेटिव नेचर होगा. हाँ जी, के स्पेस में K has multiplication. K, yes sir. ठीक है सर. सर फर्स्ट स्लाइड दिखाएंगे आज की फर्स्ट स्लाइड. हाँ जी सर, उसमें कुछ रह गया है थोड़ा सा. सर ये नहीं है, हो गया सर. थैंक यू सर.
हेलो सर। हाँ जी सर, आपने फर्स्ट स्लाइड में पार्टिकल फ्लक्स बताया था ना। हाँ जी सर, वो एक बार शो करना। शो करना है? हाँ सर, उसमें पूछना है। हाँ जी बताइए। यहाँ पे मैंने कहीं पार्टिकल फ्लक्स का हिंट किया है। ए यस सर, बताइए क्या पूछना है। सर इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटी है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए, ये पूरा फ्लक्स होता है जैसे? नहीं, इसको फ्लक्स उसको इंटरप्रेट करते हैं फ्लक्स के टर्म्स में ना। है तो वही बात, पर इंटरप्रेट किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक जिसका हमने ये सरफेस इंटीग्रल निकाला उसका फ्लक्स ना। जैसे बी डॉट डीएस किसका फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। ऐसे ही ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। तो सर फ्लक्स तो ही पूरी क्वांटिटी होती है ना एलएचएस में। तो हाँ जी। एट एस एस डॉट डीए, तो एस डॉट डीए ये पूरी क्वांटिटी फ्लक्स होगी ना सर। अच्छा एक बार बताइए, ये ई डॉट डी एस इसको आपने इंटरप्रेट किया, तो ये इस सरफेस एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पर यूनिट टाइम बताता है। यस सर, यही तो बताता है। बट जब इसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम डेफिनेशन बनाते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मीनिंग तो अभी भी सेम हो गया ना, जब एरिया को हम वन कर देंगे तब भी तो एस बन गया, नहीं बन गया? ओके, क्लियर हो गया। यूनिट एरिया, हाँ जी पर यूनिट एरिया आता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे बीम है तो बीम में फ्लक्स होता है, तो बीम का फ्लक्स मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके किसी पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में पास होने वाले पार्टिकल्स को मेजर करके बताते हैं। ओके, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही चेक करते हैं कि कितनी जो लाइंस है वो कितना इंटेंस लाइन है, कितना जो रिलेटिव स्पेसिंग वहां पर कितना कम है। जैसे एक एक फील्ड लाइन मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक मैंने पास पास ड्रॉ कर दिया, तो किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? जिसकी लाइन क्लोज है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो सेम मीनिंग यहाँ पे भी है, मतलब ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइन ही होती है, और जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया का कंडीशन वहां पे आता है। किसी सरफेस पे नॉर्मल के अलोंग यूनिट टाइम में कितनी फील्ड लाइंस यूनिट सरफेस एरिया से पास हो रही हैं वो फ्लक्स बताता है। ऐसा हो सकता है सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो यूनिटी ना हो, वो 100 मीटर स्क्वायर हो, है ना? एक बार आपने 10 मीटर स्क्वायर से निकाला, एक बार आपने 100 मीटर स्क्वायर से निकाला, 100 मीटर स्क्वायर से जरूरी थोड़ी कि मोर फ्लक्स आए। ऐसा हो सकता है कि 100 मीटर स्क्वायर में जब पर यूनिट एरिया निकाला वहां पर कंडीशन 10 बना, और आपने जब 10 मीटर स्क्वायर में पर यूनिट एरिया निकाला वहां पर कंडीशन 100 बन गया, तो किसका फ्लक्स ज्यादा हुआ? 10 मीटर स्क्वायर वाले का। ठीक है, इसलिए यूनिट सरफेस एरिया का कंडीशन निकाला वो इसलिए लिखा क्योंकि वहां तो हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पोजिशन और मोमेंटम साइम टाइम पे आप प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, तो वहां पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कब हम यूज करेंगे कब नहीं करेंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्शन है कि हम पोजिशन मोमेंटम को सेम टाइम पे एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे तभी बेनिफिशियल होगा ये, जब या तो वेरिएशन वेरी स्मॉल हो या इंडिपेंडेंट बन जाए। तो पार्टिकल फ्लक्स हम मोस्टली स्कैटरिंग में पढ़ेंगे, एक इजी अप्रोच ही है। तो सर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन भी होगा, पोजीशन स्पेस में और मोमेंट आएगा नहीं कहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन प्लेन वेव के लिए बनेगा। ओके, जैसे हम ए एक्सपोनेंशियल आई की एक्स को हम चेक करने लगे तो ए मॉड स्क्वायर बन गया, और वहां पे वेलोसिटी एच क्रॉस की भाई एम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कांस्टेंट ही तो है, तो यहाँ हम इसको पार्टिकल फ्लक्स ले लेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर, लास्ट वाली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ जी सर, देखना था जो है क्या चलेगी।
ठीक है नोट कर लीजिए सर। हाँ जी जो प्रोबेबिलिटी कोरेंट डेंसिटी है सर उसका डायरेक्शन जो होगा वो सर पी वेक्टर वी वेक्टर मोमेंटम और वेलोसिटी और के वेक्टर के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी उसी डायरेक्शन में वेव वेक्टर जाता है लेकिन उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वेव की। सर जैसे हम सर कोई मतलब ऑपरेटर का आइजन स्टेट जैसे देखते हैं मतलब आइजन वैल्यू तो सर वो स्टेट सर उस ऑपरेटर के लिए उसका आइजन स्टेट होना जरूरी है जैसे भी क्या हम ऑपरेट करते हैं तो भी मिलता है आइजन फंक्शन में आइजन देखो एक एक देखो हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि आइजन स्टेट है उस ऑपरेटर का या हमें कोई स्टेट दिया हुआ है दोनों अलग चीजें हैं। सर एग्जाम में दे दिया होगा कि आइजन स्टेट है। हाँ जी थैंक यू सर। जैसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जैसे पार्टिंग बॉक्स में साइन फॉर्म आया वो ना तो मोमेंटम का आइगन स्टेट है ना वेलोसिटी का वो एनर्जी का आइगन स्टेट है। जितने भी आप आइडियल सिस्टम्स पढ़ेंगे सबके लिए आप एनर्जी आइगन स्टेट निकालते हैं। अब वो मोमेंटम के आइगन स्टेट हो भी सकते हैं और नहीं भी वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल फॉर्म पे। हाँ सर ठीक है। अब हमें कह दिया कि एनर्जी आइगन स्टेट में मेजर करना है हमें मोमेंटम तो रेस्ट्रिक्शन है ना कि हमें करना ही पड़ेगा। तब जो रिजल्ट आएंगे वो आप जब पोस्टुलेट पढ़ लेंगे तो जो स्टेट जिसमें हमें मेजर करना है उसको मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन स्टेट में हम एक्सपेंड करके मेजर करेंगे। ठीक है। तब मोमेंटम की जो वैल्यूज मिलेंगी हमें हम साइन के एक्स को मोमेंटम के आइगन फंक्शन जो प्लेन वेव होते हैं उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल आई के एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। जब आई के एक्स बना तब मोमेंटम एच क्रॉस के बना जब एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स बना तो मोमेंटम माइनस एच क्रॉस के बना। तो साइन के एक्स में हम कितनी बार मोमेंटम मेजर कर लें पार्टिकल के मोमेंटम की टू वैल्यूज बनेंगी एक एच क्रॉस के और एक माइनस एच क्रॉस के जबकि वो आइगन फंक्शन नहीं है। हाँ, सर, क्यों? क्योंकि वो एस एच आइगन फंक्शन नहीं है तो हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे आइगन फंक्शन में। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, सर लेकिन सर अगर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स होगा। हाँ जी तो सर वो सर एक मतलब ए साइन के एक्स भी ये तो कॉन्स्टेंट है वेरिएबल पार्ट तो साइन के एक्स है ना। हाँ सर तो तब भी वो आइगन फंक्शन में एक्सपेंड कर लेंगे बट उसकी जो हाँ जी रियल फंक्शन होगा ना सर। हाँ जी तो सर उसका जो मतलब प्रोबेबिलिटी कोरेंट डेंसिटी मिलेगा वो सर जीरो आएगा। हाँ जीरो बन जाएगा। मैंने कर रहा जीरो नहीं बनेगा। अब देखिए मैं बता देता हूँ कैसे जीरो बना। इससे हमने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कोरेंट डेंसिटी निकाला साई से। ठीक है ये डायरेक्ट जीरो बता दिया मैंने वेलोसिटी वैल्यू से। अब मैं इसको ऑन अदर वे में जीरो बताता हूँ। मैंने इसको लिख लिया एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स बाई टू आई लिख दिया। हाँ सर। अब एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एस वन निकाला फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग वो बना ए बाई फोर आई मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के बाई एम सर ए बाई टू आई मॉड हाँ टू आई कर दीजिए। ठीक है एस टू बना माइनस ए बाई टू आई मॉड स्क्वायर माइनस एच क्रॉस के बाई एम। क्लियर हो गया। हाँ सर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए बन गया जीरो। सर यहाँ पे सर माइनस आना चाहिए ना सर इसका कहाँ पे माइनस आना चाहिए माइनस स्क्वायर का ये वाला जो माइनस है वो तो मॉड स्क्वायर होकर प्लस हो गया। हाँ सर, और एक वेलोसिटी वाले से मैंने लिख दिया तो ये टर्म डिफरेंस बन गए जीरो हो गए। हाँ सर, हाँ सर। ये तो कैसे भी कर लीजिए ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए रिजल्ट तब भी जीरो है। हाँ सर थैंक यू सर। रीजन हुआ स्टैंडिंग वेव बनने से पार्टिंग बॉक्स में ये जो ए साइन की एक्स है ये वेव ट्रेवल नहीं करेगी। ट्रेवल नहीं करेगी तो इससे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो आएगा चाहे ऐसे चेक कर ले चाहे ऐसे चेक कर ले। मतलब ये सारे सर बाउंड स्टेट के लिए ही सही है। हाँ जी बाउंड स्टेट में स्टैंडिंग वेव बनती है। हाँ जी बोलिए एक और कोई पूछ रहे थे अभी। ये सर सर जो आपने ये बताया जो प्लेन वेव फ्रंट वाला और स्फेरिकल वेव फ्रंट वाला वो उसमें जैसे कि जो प्लेन वेव लिया आपने तो उसमें एक्सपोनेंशियल आयोटा के पावर आयोटा के डॉट आर था तो जो डॉट है तो आपने ये परपेंडिकुलर बताया वेव वेक्टर और आर है तो ये फिर 90 एंगल बनाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जो वेव फ्रंट है वेव फ्रंट होता है हम सेम फेज वाले पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें
तो जो शेप बनेगा वो वेव फ्रंट का शेप हम वेव के नेम के लिए यूज करते हैं। तो हमें नहीं पता था कि क्या शेप बनेगा, स्फेरिकल है या प्लेन है, बट जो हमें मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है के डॉट आर प्लस डेल्टा में सेम फेज वाले पॉइंट कनेक्ट करिए, तो वो यही तो बनेंगे, ये पॉइंट्स ही तो बनेंगे यहाँ पे। मैंने पहले थोड़ी अज्यूम किया वो, तो मैंने सेम फेज वाले पॉइंट को कनेक्ट करा के शेप बताया है। क्लियर हो पाया? नहीं, रिपीट कर दो सर, नहीं समझ आया। देखो यहाँ से ये पॉइंट्स आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए के डॉट आर प्लस डेल्टा कब सेम होगा, कब कांस्टेंट आएगा, ये हमें चेक करना है। उन पॉइंट्स को मैच कराना है जिनके लिए सेम हो। तो ये पॉइंट्स इस के की वैल्यू यहाँ पे है और इससे आर परपेंडिकुलर जाएगा किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये वैल्यू डेल्टा बनेगा। तो मैंने सेम फेज वाले पॉइंट्स कनेक्ट किए तो प्लेन शेप बन गया, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो वेव बनी एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर प्लस डेल्टा, वो प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इसके शेप वेव फ्रंट की शेप जो है वो प्लेन में। मीन सर जो ये वेव वेक्टर है वहां से डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट्स है जो आर जैसे दिया हमने, तो आर हाँ एक डिस्टेंस पे होंगे सारे पॉइंट्स? नहीं, डिस्टेंस तो डिफरेंट होगी बट परपेंडिकुलर होगी ना वो। तो चाहे आर को 1 मीटर ले लें, चाहे आर को 10 मीटर ले लें, के डॉट आर में तो वो सब जीरो बन गया। यस सर। तो ओनली यही तो कंडीशन बचा, सिर्फ डेल्टा डेल्टा ही, और डेल्टा कांस्टेंट है। मुझे शेप चेक करनी थी, शेप चेक करने के लिए मैं क्या करूं, हमें वेव फ्रंट का मतलब पता होगा तो हम शेप को चेक कर सकते हैं। वेव फ्रंट यहाँ पे प्लेन बन रहा है, तो शेप को मैंने कंफर्म करना कि प्लेन श्योरली बना, मैंने सेम फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करा दिया, उनको जोड़ दिया सबको, तो उनको जोड़ने से जो शेप बना वो प्लेन बना। बट जो स्फेरिकल वेव है उसमें सेम फेज वाले पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस बनेगा। यस सर। तो इसलिए उसको स्फेरिकल वेव कह रहा है। फिर सर वहां पे जीरो नहीं बनेगा जैसे वो स्फेरिकल वेव ना, जीरो होना जरूरी नहीं है, हमें सेम लाना है, 4 हो, 10 हो, 100 हो, हमें वो वैल्यू लानी है जिनकी वैल्यू 10 बने। अब बताओ तो वो वैल्यू को जरूरी थोड़ी कि जीरो ही बने, जीरो तो यहां परपेंडिकुलर वाले कांसेप्ट से बन रहा है। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि प्लेन वेव के लिए जीरो ही बनाना है, मुझे तो सेम बनाना था शेप। यस सर। ठीक है ना? यस सर। सर इसमें स्फेरिकल शेप जो इसके स्फेरिकल वेव जो है एक बार ओमेगा के आर अपॉन आर, तो उसमें के और आर तो वो उनके मोड है ना वेक्टर्स के, उसको ओपन करके वो के आर बन गया। ऐसे तो इसको भी ओपन करोगे तो के एक्स एक्स बन जाएगा, तब भी प्लेन वेव रहेगा। आप लोग जो डाउट क्रिएट करते हैं ना, और पता नहीं किसी और के पूछने, आपसे कोई और पूछता है तब डाउट बनता है, या आप थिंक करते हैं तो आप फिर दोनों सिचुएशन में एक जैसा क्यों नहीं थिंक करते। मैंने ये देखो आई के डॉट आर है, डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यही तो कह रहे हो। मैंने लिखा कि जो के है वो जेड डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आर को ओपन किया मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब के डॉट आर कर दो, क्या बना? के जेड। अब मैंने इसको लिख दिया आई के जेड, अब तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है यहाँ पे, बताओ। yes, sir, ये अभी प्लेन वेव है, यहाँ भी प्लेन वेव है, यहाँ भी प्लेन वेव है। बट एक्सपोनेंशियल आई के आर में ये था अभी भी यही, बट इसके के की डायरेक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में के आर कैप है, आर वेक्टर आर आर कैप है, तो ये शेप बन गया आई के आर, बट आर वेरिएबल है। अब हमें सेम फेज वाले पॉइंट कनेक्ट करने के लिए एक ही चॉइस है कि आर की वैल्यू को हम कांस्टेंट कर दें, और कांस्टेंट हुआ सरफेस पे। क्लियर हो गया अब? यस सर। ठीक है, तो डाउट आपका डाउट सिर्फ यहाँ आ रहा था, जबकि मीनिंग तो सेम दोनों जगह है, यहाँ पे भी होना चाहिए था डाउट। यस सर। वो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेक्टर ही है, इसमें ऐसा लग रहा कि जैसे मैग्नीट्यूड है, कोई ये भी उससे ही कनेक्ट होके आया है आपको? हाँ, उसी से आया है। ओके।
ऐसा होता है कि जब हम स्फेरिकल वेव को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो हमें प्लेन ही दिखेगा। हाँ सर, हाँ वो तो है, वही कंसेप्ट है यहाँ। वो तो दोनों वेव फ्रंट स्फेरिकल वाला भी लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेन लगी। हाँ जी, वो इसीलिए है, इसलिए दोनों का शेप लगभग मैच कर जाता है। सर वो 1/r क्यों आया सर? वो 1/r जब स्कैटरिंग बढ़ाएंगे तब बताएंगे। स्कैटर्ड पार्टिकल का नंबर एरिया, चाहे हम 1 मीटर का सरफेस से पास कराएं चाहे हम 2 मीटर के सरफेस से पास कराएं, स्कैटर्ड पार्टिकल का नंबर सेम आता है, इसलिए वो डिवाइड में लेंगे तभी सेम बनेगा, नहीं तो एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। वो स्कैटरिंग बताएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे जब तक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ना बताओ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 शो करना था। 20 कौन सा है मतलब जैसे फ्री पार्टिकल के लिए हम बोलते हैं हमेशा एनर्जी h का स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m आती है। शॉर्ट वेव में बहुत सारे डाउट साथ में चलते हैं, मिस्टेक साथ में चलते हैं। अभी भी देखो प्लेन वेव का सुपरपोजिशन है, अब की बार एनर्जी सेम नहीं आएगी, बता दो, शेप चेंज हो गई, आइगन फंक्शन ही नहीं बनेगा। जबकि आपका स्टेटमेंट जो कहता है कि मोर देन वन प्लेन वेव का सुपर पोजिशन हो एनर्जी सेम आएगी, यहाँ नहीं बनेगी। यस सर, यस सर, चेंज होगा, आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। हेलो सर। हाँ जी, वेव वेक्टर स्पेस का पूछना था कुछ? यस सर। क्या पूछ रहे हैं बताइए, वेव वेक्टर तो समझ में आया, बाकी आगे नहीं समझ में आया। सर तो वेव वेक्टर स्पेस बता रहे हैं सर आपने? हाँ जी सर, इसका मतलब मीनिंग बता देना सर, क्लियर नहीं हुआ। जैसे मोमेंटम है किसी वेव का पी, हेलो, यस सर, यस सर, तो वेव का जो वेक्टर है के और मोमेंटम है दोनों में एक कांस्टेंट फैक्टर का ही तो डिफरेंस है, एच क्रॉस, हम इसके लिए ही तो कर रहे हैं एच क्रॉस। अगर मोमेंटम की एक्सिस को एच क्रॉस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केल कर दें, जो एच क्रॉस बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो वो जो एक्सिस बनेंगी वो वेव वेक्टर की बन जाएंगी। Yes, sir. बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि या तो हम एच क्रॉस को वन कर दें तो दोनों स्पेस सेम हो गए। बट जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, तो मैंने अभी बताया भी था, सॉलिड स्टेट में जब हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं तो क्रिस्टलोग्राफी में हम चॉइस लेते हैं के स्पेस का, बाकी yes, है वो भी मोमेंटम स्पेस ही। ठीक है, yes, sir. दोनों ही मोमेंटम स्पेस है, ओनली एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट चेंज हुआ, बाकी है तो कॉन्स्टेंट ही ना। Yes, sir. और पूछना है कुछ? नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट कर जाता हूं।